आज जो बातचीत हम लोग करने जा रहे हैं निबंध को लेकर, उसमें तीन चार मुख्य बातें हैं। पहला जो मसला होगा जिस पर शायद शुरुआती बातचीत के बाद में आएंगे, वो ये है कि निबंध होता क्या है, इसको लिखने की चुनौतियां क्या हैं, जिन लोगों को अच्छे अंक आते हैं क्यों आते हैं, जिनको अच्छे अंक नहीं आते उसके कारण क्या है, किस तरह के दुश्वारियों का निबंध में आपको सामना करना पड़ रहा है पिछले कुछ वर्षों से, उसका समाधान क्या है, एक बात तो इस पर होगी। लेकिन उस पर जाने से पहले हम लोगों जो निबंध का प्लान किया है उसके बारे में बात करूंगा और उसका जस्टिफिकेशन दूंगा कि वैसा हमने क्यों किया है। देखो, बहुत दिनों से मैं ये देख रहा हूं कि लगभग इसी से मिलता जुलता आइडिया निबंध के लिए भी बना हुआ है कि निबंध और कुछ नहीं, जीएस का एक्सटेंशन है। तो अगर हम जीएस ठीक से पढ़ लें तो हम निबंध कर लेंगे। इन दो आइडियाज ने जो गड़बड़ है, जो भ्रांतियां हैं, इन दो भ्रांतियों ने आपका खासा नुकसान किया है। पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि हिंदी पट्टी के बच्चों के लिए पर्सनालिटी टेस्ट और निबंध, इन दोनों की अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, जिसकी जरूरत इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को नहीं होती है। जब आप इस बात को समझेंगे तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो तैयारी के मॉडल्स हैं सिविल सेवा के, इसमें आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इमिटेट नहीं कर सकते, आप उनके रास्ते पर नहीं चल सकते। अगर आप उनके रास्ते पर चलेंगे तो आप सफल होने के चांसेस अपने कम कर रहे हैं। इसका जस्टिफिकेशन देने के बाद फिर मैं आऊंगा ये बात समझाने के लिए कि हम निबंध कैसे पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें क्लासेस क्या होंगी, वैसा क्यों बनाया है, उस पर बात करेंगे। अब जो पहली बात जिससे मैं शुरू करूंगा, जो बात इससे कनेक्टेड तो नहीं है लेकिन इसके बैकग्राउंड को समझने पर आप ज्यादा ठीक तरीके से निबंध वाली बात भी समझ पाएंगे। जब एक बच्चा 12th पास करता है, 12वीं पास करता है, तो उसके पास कैरियर को लेकर जो दो रास्ते बनते हैं, एक रास्ता बनता है जिसमें ज्यादातर बच्चे प्रयास सब करते हैं लगभग, कि इंजीनियरिंग मेडिकल में हो जाए और किसी ऐसे पढ़ाई में हम चले जाएं जहां से, जिस डिग्री से सीधे नौकरी मिलती है। और दूसरी पढ़ाई वो होती है जो इंजीनियरिंग मेडिकल में नहीं होगा आपका, तो आप दूसरी पढ़ाई शुरू करेंगे ह्यूमैनिटीज की, जिसमें आपको डिग्री तो मिलेगी लेकिन डिग्री से नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी लेने के लिए उस डिग्री के सहारे फिर से आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। तो दो तरह के रास्ते हैं, एक रास्ता जो 12वीं के बाद उस पढ़ाई की तरफ ले जाता है, इसमें पढ़ाई कंप्लीट करने का मतलब 70-80% लोगों को पढ़ाई कंप्लीट करने पर नौकरी मिल जाएगी। दूसरा रास्ता वो है जिसमें पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपको डिग्री मिलेगी और उस डिग्री से सिर्फ 5% लोगों को नौकरी मिल सकती है, और वो भी बहुत लो इनकम वाली। आपको 95% विद्यार्थियों को उस डिग्री को लेने के बाद जो आपने लिया, फिर से 7-8 साल, 5 साल, 4 साल दूसरी पढ़ाई करनी पड़ेगी और तब आप नौकरी पाएंगे। अब ये दो जो रास्ते हैं ना, इनका जो डिस्टिंक्ट नेचर है, इससे ये बात जुड़ी हुई जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो, जब कोई बच्चा मेडिकल की पढ़ाई करने जाता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जाता है, तो असल में वो मार्केट इकोनॉमी के कॉम्पिटिटिव मॉडल में जा रहा है। आज दुनिया में इंजीनियर्स की जो जॉब है, सरकारी तो कम है, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा है, मेडिसिन के साथ भी यही हो रहा है। अब हमारे देश में तमाम आप देखेंगे 5 सितारा हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, नर्सिंग होम्स की चेन आ रही है, तो जो डॉक्टर्स को भी रोजगार मिलता है उसकी बहुत बड़ी संख्या धीरे धीरे अब सरकारी अस्पतालों के अलावा या उससे इतर प्राइवेट सेक्टर में। तो जब आप मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, तो आप बेसिकली कहां जाने के लिए पढ़ रहे हैं? आप बाजार में जाने के लिए पढ़ रहे हैं, जहां जॉब कहां से मिलेगी? बाजार से। अच्छा, जब आप ह्यूमैनिटीज में आते हैं तब आप बीए करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तब बाजार की नौकरी में जाएंगे या सरकार में? तो एक वर्ग है जो 12वीं के बाद ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई करेगा,
किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेगा, दाखिला लेगा और आगे चलकर सरकारी नौकरी में शामिल होने की कोशिश करेगा। दूसरा एक विद्यार्थी है जो 12वीं की पढ़ाई के बाद वहां रोजगार तलाशेगा जहां बाजार का दबदबा है। अब जरा बताओ, सरकार और बाजार, इन दोनों में कौन कंपटीशन और गुणवत्ता का प्रतीक है? बाजार। बाजार आज जहां भी आप देखते हैं कि जहां प्राइवेट स्कूल आ गया वहां कोई माता पिता अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते। जिनके पास भी इनकम है वो अपने बच्चे को या अपने किसी घर के व्यक्ति का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं कराना चाहते। इसका मतलब आप सरकार की सेवा प्रायः तब लेते हैं जब आपके पास उसके अलावा कोई विकल्प नहीं। सरकारी स्कूल में तब बच्चा पढ़ाएंगे जब आ ही नहीं, इलाज सरकारी हॉस्पिटल में तब कराएंगे जब हमारी उससे अधिक आ ही नहीं। क्यों ऐसा है? इसका मतलब बाजार की गुणवत्ता बेहतर है। अब जो पूरा आइडिया ही गुणवत्ता पर टिका हुआ है, कॉम्पिटिशन पर टिका हुआ है, उसका जब आप सदस्य बनने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने कहा कि 12वीं के बाद एक वर्ग है जो उस तरह की पढ़ाई कर रहा है जिससे उसके रोजगार जो बनेंगे वो अवसर बाजार से जुड़े हुए, और दूसरा वर्ग जो पढ़ाई करने जा रहा है उसके अवसर आगे चलकर सरकारी क्षेत्र से जुड़ेंगे। बाजार आपने कहा कि ज्यादा गुणवत्ता परक है। बाजार की दूसरी विशेषता क्या है? बाजार कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धात्मक है, और बाजार ग्लोबल है, केवल लोकल नहीं है। तो ग्लोबल होने के कारण, कॉम्पिटिटिव होने के कारण, ज्यादा गुणवत्ता परक होने के कारण जब कोई बच्चा बाजार में रोजगार तलाशने वाले किसी शिक्षण संस्थान में जाता है तो शिक्षण संस्थान क्या करता है? उसकी क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि आगे चलकर आपको यूरोप के इंजीनियर से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है, चाइनीज इंजीनियर से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है। तो क्या करें हम आपको? आपकी क्षमता बढ़ाएं, आपके व्यक्तित्व का विकास करें, आपके सोचने समझने का दायरा बड़ा करें, तभी आप ग्लोबल मार्केट में, ठीक है उसमें इंजीनियर का एक हिस्सा भारत में भी नौकरी पा लेगा लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा शायद अमेरिका भी जाएगा, यूरोप भी जाएगा। तो हम जब पढ़ाई करवाते हैं और ये मानकर पढ़ाई करवाते हैं कि हमारे इंजीनियर्स में 40% भी ग्लोबल मार्केट में जा सकते हैं, तो हम पढ़ाई ऐसी करवाते हैं कि उस ग्लोबल मार्केट में जाने की क्षमता सब में क्रिएट करें। इसलिए जो पढ़ाई के दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, एक IITs, देश के प्रीमियर मेडिकल कॉलेज NITs, वहां जो पढ़ाई करवाई जाती है वो डिग्री देने के लिए नहीं करवाई जाती, वहां जो पढ़ाई करवाई जाती है वो प्लेसमेंट के लिए करवाई जाती है, वो करवाई जाती है रोजगार के लिए, वो करवाई जाती है वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आपके सफल होने के लिए। इसलिए उस पढ़ाई में ज्ञान के साथ व्यक्तित्व का विकास शामिल है, समझ रहे हो? उस पढ़ाई में ज्ञान के साथ व्यक्तित्व का विकास शामिल है। तो एक IITian बच्चा जब जाता है IIT में, तो वहां IIT में तमाम तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, हर महीने डिबेट कॉम्पिटिशन हो रहा है, हर 2-4 महीने बाद कोई दूसरा कॉम्पिटिशन हो रहा है, अलग अलग तरह की प्रतिस्पर्धा हो रहा है, स्पोर्ट्स खेल रहा है, हर विद्यार्थी को कोई ना कोई स्पोर्ट्स पिक करना जरूरी है, ठीक है, ग्रुप बने हुए हैं, कैरम खेलने वालों का ग्रुप अलग है, टेनिस खेलने वालों का ग्रुप अलग है, बैडमिंटन खेलने वालों का अलग है, साइकिलिंग वालों का अलग है, क्रिकेट खेलने वालों का अलग है, वो कॉमन रूम है जहां बच्चे एक साथ इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होते हैं तो क्या होता है, पीयर ग्रुप बनता है। कोई बच्चा है जिसका ज्ञान स्पोर्ट्स में ज्यादा है, दूसरे बच्चे का म्यूजिक में ज्यादा है, वो 4 साल जब बच्चे एक साथ रहेंगे तो म्यूजिक वाला अपना ज्ञान क्या करेगा, स्पोर्ट्स वाले को देगा, स्पोर्ट्स वाला म्यूजिक वाले को देगा। हमारी हॉबीज, हमारी रुचियां, हमारा ज्ञान, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करने पर और उस IIT के इकोसिस्टम में क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। तो आप जब IIT से पढ़ के निकलते हैं तो केवल इंजीनियरिंग का नॉलेज लेके नहीं निकलते, आप एक पर्सनालिटी लेके निकलते हैं, आप कॉन्फिडेंस लेके निकलते हैं, एक सुपीरियर इंस्टीट्यूट में पढ़ने का कॉन्फिडेंस, दुनिया की किसी संस्था में नौकरी करने के लिए जरूरी योग्यता का कॉन्फिडेंस, रुचियों के वैविध्य का कॉन्फिडेंस। और जब ये लेके वो बच्चा निकलता है तो उसको अब इंटरव्यू में जब जाएगा आखिर में मेंस क्वालिफाई करने के बाद, तो उससे पहले उसको सिर्फ 2-3 मॉक देना है किसी कोचिंग में जाके, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी नहीं, क्योंकि वो उसकी हॉबीज अपनी हॉबीज है जो उसने 4 साल में बनाई, इसलिए उसको हॉबी किसी से पूछ के भरने की जरूरत नहीं, वो IIT, इसलिए उसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा है कि हम देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़ के आए।
जो उसका इंटरव्यू लेगा उसको भी दिखाई देगा कि एनआईटी से आईआईटी से आया है, तो उसकी मेधा पर तो कम से कम उसको शंका नहीं होगी। शानदार इंस्टीट्यूट, कॉन्फिडेंस से लबरेज, हॉबीज अपनी मौलिक, ज्ञान का दायरा बड़ा, और आईआईटी से है इसलिए उसका आईक्यू तो ज्यादा है। अब यह बच्चा जब जाता है इंटरव्यू देने तो इंटरव्यू की अलग से कोई तैयारी नहीं करता, जो जीएस उसने पढ़ा है उस जीएस को समझता है, एनालिसिस का पावर उसके पास रीजनिंग ही है, रीजनिंग एनालिसिस के कारण ही वो 12वीं के बाद ही सफल हुआ था और संस्थान उसकी रीजनिंग और एनालिसिस की पावर को और बढ़ा दिया, साथ में उसके पास एक व्यक्तित्व भी है। इसलिए यह बच्चा जब इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करता है तो संभावना होती है कि वो 165, 170, 175, 185, 190 अंक लेकर आएगा। ध्यान रखना ये प्रतिस्पर्धा बहुत कठोर है, कठिन है, इसमें 15-20 नंबर से आप बाहर हो सकते हैं और 20-30 नंबर ऊपर पाने से आप आईएएस या फिर कस्टम्स में जा सकते हैं। हमारा बच्चा जो हिंदी माध्यम का है, चूंकि वो इमिटेट करता है, नकल करता है, तो क्या करता है, वो भी सोचता है कि हमको भी सिर्फ क्या करना है, जब मेंस में सफल हो जाएंगे तो हमको जाना है और किसी कोचिंग में मॉक देना है, और मॉक दे के क्या करना है, इंटरव्यू शामिल हो जाना है। जरा बताओ, हमारा बच्चा जहां से पढ़ के आया वहां टीचर्स ने उसको ग्लोबल कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ाया? हमारा बच्चा जिस राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से पढ़ के आया वहां एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं? अरे एक क्लास में पढ़ने पर ग्रेजुएशन हो गया, लड़का लड़की ने बात ही नहीं की कभी। आप इस तरह के जेंडर डिवाइड से तो आया है, दिमाग उसका बंद है, किसी करिकुलर एक्टिविटीज में उसने को करिकुलर एक्टिविटीज में कभी भाग नहीं लिया, कुछ खेलता है क्या? फैजाबाद अयोध्या का बच्चा ना, सासाराम का बच्चा, नवादा का, खेलता है कुछ? कुछ नहीं खेलता, खेला कुछ नहीं, किसी कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया नहीं, सिलेबस के अलावा कुछ पढ़ा नहीं, टीचर्स ने जो नोट्स बनवाया उसमें गेस मारा और उसी से पास कर गया एग्जाम, और उसके बाद सीधे दिल्ली आ गया संस्कृति में संस्कार लेने के लिए, और यहां फिर उसने क्या किया, 2 साल उसी तरह के विश्वविद्यालय से आए हुए बच्चों के बीच पढ़ाई की, जिनमें 70% लोग एक ऑप्शनल के साथ पढ़ रहे हैं ना, एक क्या 70 मैंने कहा शायद 90 होगा, 90% लोगों का ऑप्शनल एक, सोच एक, समझ एक, सामाजिक परिवेश बिल्कुल एक। आईआईटी में जाने वाला बच्चा कहां से, वो आ रहा है कोई हैदराबाद से, दक्षिण भारत से, कोई आ रहा है नॉर्थ ईस्ट से, अलग अलग है, कल्चरल विड्थ भी बहुत ज्यादा है, विड्थ भी बहुत ज्यादा है जिससे वो लोग आ रहे हैं। और हमारे यहां उसी हिंदी पट्टी में एक जैसे संस्कृति से बच्चे आ रहे हैं, एक जैसी पढ़ाई लेके आ रहे हैं, एक जैसा एग्जाम जो सबने रट के पास किया है, गेस लगा के एग्जाम क्वालिफाई किया है, जिनमें उनको पता था कि इस एग्जाम को पास करने के बाद जो डिग्री मिलेगी हमको उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आपका व्यक्तित्व कैसा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लास में हम कभी बोले ही नहीं, टीचर से कभी इंटरेक्ट किया ही नहीं, 150-150 बच्चों की क्लास में बैठ के पढ़े हैं, केवल नोट्स बनाया है, कई बार तो कई बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में गए ही नहीं और कभी अटेंडेंस की भी जरूरत, सीधे एग्जाम में बैठ गए। तो इंस्टीट्यूशन ने आपको कुछ शेप किया क्या? नहीं, आपके व्यक्तित्व में इंस्टीट्यूशन का कोई इम्प्रिंट नहीं है। तब आप जरा देखिए कि जब आप देखते हैं यूपीएससी का रिजल्ट और देखते हैं कि उसमें सफल होने वाले लोगों में 68% इंजीनियर हैं, 68-69% इंजीनियर हैं, 10-11% डॉक्टर्स और बाकी प्रोफेशनल्स हैं, दोनों मिला दीजिए करीब 80% हो जाता है, और बाकी जो बचे हुए 20% लोग हैं जो इधर उधर से आते हैं उसमें कौन से लोग हैं, LSR से पढ़ने वाले बच्चे, लेडी सी राम से पढ़ने वाले, मिरांडा हाउस से पढ़ने वाले, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से, जो असल में एक अलग इकोसिस्टम है। तो इसका मतलब इस एग्जाम में अगर आप अपना व्यक्तित्व निर्माण नहीं करते, और जो लंबी प्रक्रिया है, हमारी हॉबीज 10 दिन में नहीं बनती, हमारे बोलने का लहजा 15 दिन में तैयार नहीं होता, हमारी भाषाई परिपक्वता और हमारे सोचने समझने का दायरा अचानक बड़ा नहीं होता, हमारा पीयर ग्रुप रातों रात नहीं बन जाएगा जब हमारे पास ये सब कुछ नहीं है और हम इसके साथ इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमेशा हम 20 नंबर दूसरे से कम पाएंगे, और 20-25 नंबर से एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि तुम इंजीनियर से ज्यादा नंबर इकोनॉमी तुम पा नहीं रहे हो, ऑप्शनल पेपर में
इंग्लिश और हिंदी मीडियम के डिवाइड के कारण पा नहीं रहे हो, तो ऑप्शनल में 20 नंबर पहले से पीछे हो, इकोनॉमी के पेपर में 20 नंबर पहले से पीछे हो, इंटरव्यू में 20 नंबर, तो तुम्हारा हर जगह गैप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इस कारण हम क्या हो जाते हैं बाहर। तो कॉन्फिडेंस की कमी, बोलने के स्किल का अभाव, कौशल नहीं है, हॉबीज हमारी अपनी नहीं है, पर्सनालिटी यूनिडिमेंशनल है, और वो जब आप बातचीत करेंगे ना किसी से, अगर मैं आपका या आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप मेरा इंटरव्यू ले, मान लीजिए मैं राम मनोहर लोहिया से आया हूं और आप ही एक IIT का इंटरव्यू ले, आप खुद ही बता देंगे कि दोनों के बॉडी लैंग्वेज में, दोनों के कॉन्फिडेंस लेवल में, दोनों के बोलने के स्किल में क्या है फर्क है। क्योंकि हमारा ये सारा जो कॉन्फिडेंस से लेकर पर्सनालिटी है, ये सोशल प्रोडक्ट है, ये इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट से बनता है, ये हम अकेले नहीं बनाते। अब अगर ये बात बच्चा नहीं समझता तो क्या सोचता है कि जब प्रीलिम्स पढ़ लेंगे और प्रीलिम्स क्रैक कर लेंगे, प्रीलिम्स में हो जाएगा, तब मेंस देंगे, मेंस देंगे तो फिर एक महीने बाद रिजल्ट आने के इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, तो इंटरव्यू तैयारी करेंगे। तो ऐसा बच्चा इस एग्जाम को बहुत कम पास कर पाता है। असल में पूरा एग्जाम ही एक तरह की पर्सनालिटी का है। अगर आपकी पर्सनालिटी आपने सबसे पहले बना ली, तो आप पहले पहचान लेंगे कि उस पर्सनालिटी में एनालिसिस का पावर होना चाहिए, उसमें रीजनिंग होनी चाहिए, उसमें हमारी हॉबीज होनी चाहिए। अच्छा, हॉबी बड़ा काम करती है हमारी जिंदगी में। जिस बच्चे की हॉबी है उसमें तनाव पैदा होने की संभावना हमेशा कम होगी, वो स्ट्रेस का मुकाबला बेहतर तरीके से कर लेगा, क्योंकि हॉबीज यही काम ही करती है। हॉबी से हम क्या करते हैं, अपने आप को लाइट रखते हैं, अपने आप को खुश रखते हैं, अपने आप को हैप्पी रखते हैं, हमारा मानसिक तनाव हमेशा कम रहता है। कोई एक बच्चा जो शाम में 1.5 घंटे बैडमिंटन कोर्ट में जाके पसीना बहाता है, वो 1.5 घंटे में बैडमिंटन नहीं खेलता, 1.5 घंटे बैडमिंटन खेलने पर अपने मानसिक तनाव को बहा देता है। तो खेल, संगीत, पढ़ना, उपन्यास, लिटरेचर, क्या है ये सब केवल एक एडेड डायमेंशन नहीं है, ये एक अलग तरीके से आपका परिस्थितियों को सामना करने की अलग किस्म की क्षमता भी है। ये बात देखिए, आप हिंदी मीडियम में बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होती या नहीं कर रहे होते, इसलिए जिस दिन से वो प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, 3-4 साल मुखर्जी नगर में रहेंगे, वो 4 साल पर्सनालिटी बनाने का कोई प्रयास नहीं करते। तो जब वो इंटरव्यू में पहुंचते हैं तब उनको ये बात पता चलती है कि हम दूसरों से पीछे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम है, मॉक में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। अब मॉक में आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो, टीचर और तमाम लोग जो मॉक के एक्सपर्ट्स हैं आपको तमाम रिव्यू दे रहे हैं, जितना रिव्यू वो बढ़ाते जाएंगे उतना तुम्हारा इंटरव्यू और खराब होने की संभावना बढ़ती जाएगी, क्योंकि तुमको जितनी अपनी कमियां पता चलती जाएंगी उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल और चौपट होता जाएगा। हम कहेंगे तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट नहीं बनता, मुस्कुराते कम हो। अब बच्चा परेशान है कि जिंदगी भर नहीं मुस्कुराए, अब कैसे मुस्कुरा दे, तो मुस्कुराना सीख रहा है 10 दिन, तो जब वो मुस्कुराने कोशिश करता है तो उत्तर भूल जाता है, और जब उत्तर देता है तो मुस्कुराना भूल जाता है, कर ही नहीं पा रहा है, चैलेंज है। ये बातें हमारे 1-2 दिन का मामला नहीं होती। ठीक वैसे जैसे मैंने बताया तुमको इंटरव्यू का, पर्सनालिटी टेस्ट का, वही मसला निबंध का है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए निबंध मुक्ति का द्वार है। मैं जब कह रहा हूं तो मुझे पहले ही बता दिया गया कि इसमें ज्यादातर बच्चे वो बैठे हैं जो संस्कृति के ही हैं, और उनमें से ज्यादातर लोगों ने निबंध का पैसा दे दिया है, तो मत सोचना कि झूठ बोल रहा हूं, बरगलाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो नए बच्चे होते ना सोचते हैं शायद भेजा गया होगा कि निबंध में एडमिशन बढ़ा दें। नहीं, मुझे बताया गया है कि बहुत सारे लोगों ने निबंध पहले से ऑप्ट कर रखा है, वही बच्चे हमारे पास ज्यादा है। तो मैं ये मान के बता रहा हूं कि मुझे तुमको कन्वर्ट नहीं करवाना है निबंध में, और जो मुझे पहले पढ़ चुके वो जानते भी हैं कि मेरी क्लास के बाद लोग प्राय कोचिंग छोड़ सकते हैं ना, कोचिंग ज्वाइन तो करने की संभावना कम है। ठीक है, देखो निबंध मुक्ति का द्वार है, क्यों? दूसरा आर्गुमेंट सुनो, जो बात मैं कहूंगा मैं कुछ उसके पक्ष में आर्गुमेंट्स दूंगा, फिर उसको सब्सटेंशिएट करूंगा, जस्टिफाई करूंगा, और मैं ये हमेशा बात मानता हूं कि तुम मेरी बात से सहमत भी हो सकते हो, असहमत भी हो सकते हो, लेकिन मैं कोई बात कहूंगा तो जरूर उसके पीछे आर्गुमेंट्स दूंगा। जैसे मैंने इंटरव्यू की बात कही तो मैंने उसके पीछे आर्गुमेंट्स दिए कि तुमको हिंदी मीडियम, ह्यूमैनिटीज से पढ़ के आने वाले बच्चे, बिहार से पढ़ के आने वाले, यूपी से पढ़ के आने वाले बच्चों को अपनी तैयारी का जो तरीका है उस तरीकों को बिल्कुल इंग्लिश मीडियम की तरह मत बनाओ, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग। अच्छा, जब मैं इंग्लिश मीडियम कहता हूं तो वो भी समझ लेना
इंग्लिश मीडियम से प्राय मेरा आशय होता है इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स। अगर कोई फैजाबाद से, रीवा से इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आया है तो उसको मैं हिंदी मीडियम का ही मानता हूं, क्योंकि वो भी सफल नहीं हो रहा। महाराजा छत्रपति साहू महाराज जी विश्वविद्यालय, उससे 3 साल में कोई रिजल्ट आया ही नहीं, तो वहां क्या इंग्लिश मीडियम नहीं है? क्या है? लेकिन इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद वो इकोसिस्टम नहीं है। तो जेएनयू और एलएसआर जैसे, या मिरांडा हाउस जैसे, या स्टीवेंस जैसे कॉलेज को तुम इनको थोड़ा अलग कर दो, तो इनके अलावा जब मैं इंग्लिश मीडियम बोलता हूं तो उसका मूल मकसद होता है प्रोफेशनल कोर्स करके आने वाले बच्चे जो प्राइमरली इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या एमबीए ग्रेजुएट्स हैं, उनकी बात मैं कर रहा होता हूं। अब और निबंध पर जब मैं बात कह रहा हूं, तुम जब दूसरी एनालिसिस करोगे कि हिंदी मीडियम के लोग क्यों फेल करते हैं, तो उसका दूसरा बड़ा कारण यह है कि हमने जितनी पढ़ाई की है, ये बात मैं पहले भी, कुछ लोग जो पहले मुझसे क्लास कर चुके हैं बता चुका हूं उनको, हमने जितनी पढ़ाई की है, पढ़ाई में दो जो तत्व बड़े इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल होते हैं उनमें से केवल एक पर ज्यादा जोर दिया है। तो जैसे आप जिम जाएं और जिम में आप अपर बॉडी की बहुत एक्सरसाइज करें और लोअर बॉडी की ना करें, तो आपका अपर बॉडी तो बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा लेकिन लोअर बॉडी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक वैसे ही अगर आपके पढ़ने लिखने के तरीके में दो जरूरी घटकों में एक की एक्सरसाइज जरूरत से ज्यादा हो गई और दूसरे की कम है, तो आपकी पढ़ाई लिखाई में उसी तरह का इंबैलेंस है, असंतुलन है। अब ये दो चीजें कौन सी हैं जो पढ़ाई लिखाई से हम सीखते हैं, और मैं इससे समझाऊंगा कि निबंध कैसे उसी कमी को दूर करने का एक जरिया है। देखो, किसी भी पढ़ाई लिखाई के दो घटक हैं। एक, हमारे ज्ञान और हमारी याददाश्त की क्षमता या याददाश्त के दायरे को बड़ा करना। जब हम क्लास फर्स्ट में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में किसी बच्चे को लेते हैं तो उसको टेबल सिखाते हैं, पहाड़ा जिसको कहते हो, 2 × 4, 2 × 3, 6, 2 × 4, 8 सिखाते हैं ना। ये मेमोरी, रेंज ऑफ मेमोरी, उसको पहले याद नहीं था, 10 बार दोहराया 2 का पहाड़ा याद हो गया, 2-4 बार और दोहराएगा 3 का पहाड़ा याद हो जाएगा, याद करता है, नंबर सिस्टम को उसने याद किया। लेकिन क्या गणित को भी याद करता है? क्या नंबर सिस्टम सीखने के बाद गणित के कॉन्सेप्ट्स को और गणित के सवाल को याद करता है या अपनी क्षमता से हल करता है? इसका मतलब है हमने एक घटक तुमको पढ़ाया कि पहले तुम कुछ याद करो, पहले पहाड़ा याद करो, गिनती याद करो, टेबल सीखो, और फिर क्या करते हैं उसका करवाते हैं अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन से आप क्या सीखते हो? मैथ्स। उस मैथ्स को सीखने में किसकी जरूरत पड़ती है? याददाश्त की या रीजनिंग की? रीजनिंग की ना, रीजनिंग की जरूरत पड़ती है, बुद्धि की जरूरत पड़ती है, तर्कणा की जरूरत पड़ती है। ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में हमको सिद्ध करना हो कि LHS बराबर RHS, तो हमको सोचना पड़ता है कि tan थीटा से थीटा, cos थीटा से कैसे आगे बढ़े, कौन सा स्टेप ले जिससे हम यहां तक पहुंचेंगे, क्या करना पड़ता है, इन्फरेंस कहते हैं इसको, अनुमान। अगर आप केमिस्ट्री कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में कार्बन का नंबर घटाना है या बढ़ाना है, कैसे करें, लगाना पड़ता है आपको अनुमान। अब अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री पढ़ रहा है और वो केमिस्ट्री को रट रहा है तो क्या कर रहा है? जहां जरूरत है अनुमान की, जहां जरूरत है रीजनिंग की, उसको भी याद कर रहा है। दूसरी जो बड़ी कमी है, जैसे मैंने कहा पढ़ाई लिखाई में दो चीजों का विकास होना चाहिए, एक हमारी याददाश्त और हमारी जानकारी का दायरा बड़ा होना चाहिए, और दूसरा जो हमारे पास जानकारी आई है उस जानकारी से विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालना, अनुमान करना, रीजनिंग करना, तर्क करना, ये दूसरी क्षमता है जिसका विकास होना चाहिए। इसी को एनालिसिस कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं, इन्फरेंस कहते हैं। 3 शब्द से इसको मैं सूचित कर रहा हूं, एनालिसिस विश्लेषण, रीजनिंग तर्क, और इन्फरेंस अनुमान। अगर किसी बच्चे की अनुमान की क्षमता, तर्क की क्षमता और विश्लेषण की क्षमता का विकास हो जाए तो उसमें एक किस्म का ज्ञान आ गया, और अगर उसमें याददाश्त की क्षमता बड़ी हो गई तो उसमें दूसरे किस्म का ज्ञान आ गया। अगर ये दोनों ज्ञान किसी के पास है, जरूरी चीजें जो याददाश्त के लिए चाहिए वो भी है, और उनसे तर्क करके, एनालिसिस करके, विश्लेषण करके, अनुमान निकालने की क्षमता भी है, तो विद्यार्थी करीब करीब हर तरह के सवाल हल कर लेता है। अब यहां दिक्कत क्या है? यहां दिक्कत यह है कि जो हिंदी पट्टी के बच्चे आ रहे हैं हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम से, उसमें
याददाश्त या रेंज ऑफ मेमोरी का रोल बहुत बढ़ा दिया गया है और रीजनिंग और एनालिसिस का रोल नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? हम जो बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, एमए करते हैं, उसमें सवाल नए आते हैं या फिक्स होते हैं? फिक्स होते हैं। जहां हमको पता चल जाता है कि सवाल फिक्स है तो हम क्या करते हैं, 20 सवाल तैयार करते हैं, 15 तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं? उनका नोट्स बनाते हैं साल भर और फिर उनको याद कर लेते हैं और वही सवाल एग्जाम में हमको मिलते हैं और हम उनको लिख देते हैं। परिणाम क्या हुआ? हायर एडुकेशन में हमारी दो क्षमताओं में कौन सी क्षमता बढ़ रही है लगातार? याददाश्त की। और जब याददाश्त की क्षमता पर हम लगातार काम करते हैं तो हमको याददाश्त की क्षमता बढ़ाने वाली पढ़ाई की आदत लग जाती है। हमारे पढ़ाई के तरीके में क्या होता है, यही याददाश्त बढ़ाने वाला तरीका डोमिनेंट हो गया और एनालिसिस रीजनिंग वाला तरीका ये कमजोर हो गया। अब जरा बताओ, तुम आईएएस की परीक्षा में जब आओगे तो आईएएस की परीक्षा में जब तुम पीटी देते हो तो पीटी देने में तुम क्या करते हो? साल भर फैक्ट याद करते हो, 2 साल फैक्ट याद करते हो। हिंदी मीडियम में तो 24 महीने कोचिंग ही चलती है। 24 महीने कोचिंग चली, उसमें क्या दिया गया? ढेर सारा नोट्स। नोट्स में क्या है? फैक्ट, जानकारी, सूचना। उस जानकारी सूचना को तुम याद करते हो, तैयार करते हो। इंग्लिश मीडियम की कोचिंग कितने महीने चलती है? 10 महीने। तो फैक्ट किसके पास ज्यादा है? हिंदी मीडियम वाले के पास। हिंदी मीडियम वाले के पास फैक्ट ज्यादा है। अब अगर आईएएस का एग्जाम फैक्ट का एग्जाम होता तो प्रीलिम्स में सफल होने की संभावना किसकी ज्यादा होती? हिंदी मीडियम की। मैं अभी प्रीलिम्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेंस में तो आप सब मान लेते हैं कि उसमें एनालिसिस का रोल है, लेकिन प्राय प्रीलिम्स में आप मानते हैं ज्यादा पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स क्रैक कर लेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा तो तुम ऑलरेडी पढ़ रहे हो। वो 9 महीने 10 महीने कोचिंग कर रहे हो, तुम 24 महीने कर रहे हो, ज्यादा तो पढ़ रहे हो। फिर जो हिंदी मीडियम में बच्चा सिलेक्ट होता है उसकी एज क्या होती है? 27, 26, 28 साल। इंग्लिश मीडियम में 1.5 साल कम से कम 24 साल। इसका टाइम भी उसको कम लगा, आपको टाइम ज्यादा लगा। तो ज्यादा टाइम में आपने इसका मतलब क्या किया? फैक्ट का दायरा, फिर इतना फैक्ट का दायरा बढ़ाने के बावजूद और कोचिंग ज्यादा करने के बावजूद हिंदी मीडियम के लोगों का ज्यादा प्रीलिम्स निकलता है कि इंग्लिश मीडियम के? इसका मतलब है कि प्रीलिम्स का एग्जाम जिसको आप समझते हैं, जहां शुरुआत करते हैं, वही एग्जाम अकेले फैक्ट का एग्जाम नहीं। तो क्यों फेल कर रहे हैं? क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम में 30, 35, 40 सवाल के बाद रीजनिंग की जरूरत है, एनालिसिस करने की पावर की जरूरत है और वो हमारे पूरे हायर एजुकेशन में कभी विकसित नहीं की गई। और जब हम हिंदी मीडियम में कोचिंग करने आए तो क्या यहां एनालिसिस सिखाई जाती है तुमको? रीजनिंग सिखाया जाता है, तुमको ज्यादातर फैक्ट सिखाया जाता है। अब अगर यहां कोई टीचर एनालिसिस और रीजनिंग सिखाने आएगा तो तुम उसको पसंद भी नहीं करोगे क्योंकि तुमको उसकी आदत नहीं रह गई। मैं एग्जाम्पल देता हूं अक्सर खाने से कि मैं तुम्हारे खाने में, तुमको तला भुना खाने की आदत है और मैं कल तुम्हारे खाने में उबला खाना देने लगूं, लाख उसके हेल्थ बेनिफिट बता दूं कि उबला खाना खाने के हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा है, तुम खाना खा नहीं पाओगे क्योंकि तुमको तेल खाने की, घी खाने की आदत पड़ गई। तो जब हम बच्चे को ले आते हैं आईएएस के पेपर को क्रैक करने के लिए, और आईएएस के पेपर को क्रैक करने के लिए जरूरी है प्रीलिम्स से ही कि उसकी एनालिसिस रीजनिंग का पावर बढ़ाओ, लेकिन वो तो बीए की पढ़ाई में कहीं था नहीं, एमए की पढ़ाई में कहीं था नहीं। तो जब बी एम ए की पढ़ाई में नहीं था और कोचिंग में भी नहीं है, क्यों नहीं है? कोचिंग की मजबूरी। कोचिंग अगर एनालिसिस करके पढ़ाई करवाने लग जाएगी तो 70% बच्चों को जो बिहार से, मध्य प्रदेश, राजस्थान से आए, उनकी समझ में नहीं आएगी बात, घबरा जाएंगे वो। और जब घबरा जाएंगे तो वो समझेंगे कि ये हम आईएएस नहीं बनेंगे और मार्केट क्या होगा इसका, छोटा हो जाएगा। मार्केट बड़ा कैसे रह सकता है कोचिंग का? मार्केट कोचिंग का तभी बड़ा रह सकता है जब हर विद्यार्थी 10 साल तक ये मानता रहे कि हम आईएएस बनेंगे, भले बन ना पाए। पूरा मार्केट टिका है सेंटिमेंट पर, होप पर, ऑप्टिमिज्म पर, ग्राहक वर्ग बड़ा करने पर, ग्राहक वर्ग बड़ा करने। हम देखो लोगों को कोक पिला देते हैं, कोक पीने का कोई फायदा नहीं, अब तक ज्ञात नहीं कम से कम, लेकिन जब करीना कपूर पीती है उसको या पेप्सी आमिर खान पीता है, सेंटिमेंट बनता है। सचिन तेंदुलकर पी रहा है, आमिर खान पी रहा है, सेंटिमेंट बनता है। और उस सेंटिमेंट में क्या होता है? उसका बाजार बड़ा हो जाता है। मार्केट ह्यूमन सेंटिमेंट को कैप्चर करता है।
तो हम जब समझते हैं कि हम कोचिंग को अगर एक बाजार में तब्दील करना चाहते हैं, क्योंकि हर कोचिंग अंततः व्यवसाय तो करेगी, तो विश्लेषण करने जाएंगे तो ये मास के सेंटिमेंट के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। और अगर ये मास के सेंटिमेंट के साथ कंसिस्टेंट नहीं है तो कोचिंग का दायरा बहुत छोटा हो जाए, बहुत कम लोग मानेंगे को आईएएस बन सकते हैं, बाकी लोग भाग जाएंगे। इसलिए क्या होता है, इसलिए आपके पढ़ाने लिखाने के तरीके में क्लास का साइज बड़ा है तो हम उस तरह की पढ़ाई लिखाई के मॉडल को अडॉप्ट करते हैं जिसमें आपको तकलीफ ना हो, और क्या करते हैं, आपको खूब नोट सप्लाई करते हैं। जो नोट्स जितना बढ़ता जाएगा उतना आपके सिलेक्शन के चांसेस ले घटते जाएंगे, क्योंकि वो नोट्स आपका उतना समय लेगा, और जितना समय वो नोट्स ले लेगा पढ़ने में उतना आपके पास एनालिसिस और रीजनिंग करने का टाइम कम होगा। लेकिन हम जानते हैं कि करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा नहीं मानेगा, वो तो दूसरी कोचिंग का नोट्स और इस कोचिंग का नोट्स तक गिन ले, कह दे यहां कम मिल रहा है वहां ज्यादा मिल रहा है। तो ये किस पर टिका है सारा कुछ, मनोविज्ञान पर, साइकोलॉजी पर। तो स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी समझने के बाद पूरी जो पढ़ाई लिखाई का मॉडल है उसमें एनालिसिस और रीजनिंग का एलिमेंट क्या हो गया है, कम हो गया। अब ये एलिमेंट कहां से ले आ सकते हो, क्योंकि अगर तुमको किसी विषय में ले जाएंगे इकोनॉमी में तो तुमने वहां मान लिया कि हमको फैक्ट याद करना है, उसका एक फिक्स सिलेबस है, सिलेबस से बाहर टीचर कुछ बात करेगा तो तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो एक ऐसा विषय चाहिए जो थोड़ा फ्री स्टाइल कुश्ती वाला हो, जहां टीचर कुछ भी पढ़ाए तुम ये नहीं कह सकते हो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, जहां टीचर आर्ग्यूमेंट्स बनाएगा तुम ये नहीं कह सकते हो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि उसका पेपर का नेचर ऐसा है कि पूछ लिया आत्मसंधान की प्रक्रिया तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई, हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है, समझ ही नहीं आ रहा। तो हम इसके बहाने क्या कर सकते हैं, इसके बहाने हम हर्ष कृतज्ञता आत्मसंधान की प्रक्रिया सत यथार्थ है यथार्थ सत है इन सब टॉपिक के बहाने तुमको कुछ भी पढ़ाएंगे तुम एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि तो मानोगे एक निबंध तो पूछा जा रहा है ऐसा तो पढ़ना तो पड़ेगा। और जब हम यहां इस तरीके के पढ़ाने में जा सकते हैं तो हम तुम्हारी उस कमी की भरपाई कर सकते हैं जिस कमी को तुम बाकी विषय में स्पेस नहीं दे रहे हो। यही वो विषय है जिस विषय में अनसीन सवाल आते हैं, सवाल जो पूछे जाएंगे उसको तुम जज नहीं कर सकते, जिस विषय में तुम मान चुके हो कि इसमें अनसीन सवाल पूछा जाएगा वहां टीचर के पास लिबर्टी ज्यादा है, स्वतंत्रता ज्यादा है पढ़ाने की। तो थोड़ी स्वतंत्रता एथिक्स में और थोड़ी स्वतंत्रता निबंध में कि यहां कोई नई बात पढ़ाई जा सकती है। अभी इसमें हो सकता है कुछ बच्चे बैठे हो, मैंने एक बैच नया शुरू किया एथिक्स का और उसमें मैंने दिखाया कि छठा और सातवां टॉपिक जो एथिक्स के सिलेबस का सबसे बड़ा हिस्सा है उससे आज तक केवल 2019 में 30 नंबर का सवाल पूछा गया है, 130 नंबर में केवल 30 नंबर का सवाल एक बार पूछा गया है 10 साल में, लेकिन बच्चा पढ़ता सबसे ज्यादा उसी को है। तो आप जब स्टीरियोटाइप तरीके से पढ़ने के आदि हो गए तो हमको एक ऐसा विषय चाहिए जहां हम क्या करें, हम कह दें इसमें रेंज ऑफ मेमोरी का कोई रोल नहीं, और उसके लिए क्या करें, हमको दिखाना पड़ेगा कि जीएस में बहुत अच्छा अंक पाने वाले लोग भी निबंध में अच्छा अंक नहीं पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। अगर ये बात दिखा दे तो क्या मान जाओगे, मान जाओगे कि निबंध और जीएस एक बात नहीं है। फिर निबंध का पेपर तुमको दिखाएं कि कैसा आ रहा है और उसको दिखा के क्या समझाएं कि इसमें पूछे जाने वाले निबंध भी तुम्हारे विश्लेषण की क्षमता के बिना हल नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें 4 लाइन 10 लाइन 20 लाइन नहीं लिखना है, 12 पेज लिखना है, हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है, 12 पेज लिखना है। कहोगे ये वाला नहीं करेंगे तो हम कहेंगे आत्मसंधान वाला कर दो, चलो तुम कहोगे वो भी नहीं करेंगे तो हम कह देंगे चलो सत्य यथार्थ यथार्थ सत्य वाला कर दो, कोई तो करोगे। अगर कोई नहीं कर पा रहे हो 12 पेज तो फिर तुमको कम से कम एडमिट करना पड़ेगा कि इसमें हमको कुछ नया पढ़ने लिखने की जरूरत है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की मार्कशीट है, इसमें एक बच्चा है ये निखिल बी, जनरल स्टडीज में इसका नंबर सुनिए और ऐसे में इसका नंबर सोचिएगा, गेस करिएगा क्या होगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर हम जीएस की तैयारी कर ले तो निबंध की तैयारी
हो जाएगी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इसका नंबर है 102। जनरल स्टडीज 3 में इसका नंबर है 93। मतलब एसए का पेपर फर्स्ट पेपर हो गया तो जीएस फर्स्ट पेपर में इसको 102 नंबर, जीएस सेकंड पेपर में 93 नंबर, जीएस थर्ड पेपर में 107 नंबर और जीएस फोर्थ पेपर में इसको 103 नंबर। टोटल हो रहा 405। 405 ठीक नंबर है, अच्छा नंबर है जीएस के लिए, अच्छा नंबर है। निबंध में इसका कितना नंबर है? 45। 405 नंबर जीएस में पाने वाला बच्चा निबंध में 45 नंबर पाता है। क्या प्रूव होता है इससे? इससे प्रूव होता है कि इस बच्चे के मेमोरी वाले पार्ट में बड़ी स्ट्रेंथ होगी। और चूंकि निबंध पिछले वर्षों में कैसे आने लगे, नए किस्म के जिसमें मेमोरी काम, तो ये जीएस में अच्छा अंक जुटाने के बावजूद जहां एनालिसिस रीजनिंग का कंटेंट बढ़ता वहां बुरी तरह फेल हो जा रहा है। अब अगर आप इसी तरीके से बाकी जगहों पर देखेंगे, बाकी जो मेरे पास इसमें अंक दिए गए हैं, तो पिछले ईयर पिछले साल में जो आपका हिंदी मीडियम का टॉपर है उसकी मार्कशीट भी है, दोनों टॉपर्स की है, और उसी साल हिंदी मीडियम के टॉपर के निबंध में अंक और निबंध के टॉपर के निबंध में अंक दोनों में बड़ा अंतर है। हिंदी मीडियम के टॉपर की 18वीं रैंक है और 18वीं रैंक बहुत ऊपर की रैंक है, लेकिन तुम जानते हो कि ये स्टूडेंट जो इतना आर्टिकुलेट है, 18वीं रैंक पे आया इसका मतलब उसकी क्षमता बहुत बेहतर है, साहित्य बहुत बेहतर था, अपने साहित्य के विषय में एक बार वो 300 के बैरियर को पार कर चुका था, दूसरी बार भी उतने नंबर तो नहीं आए जिस बार 18वीं रैंक आई, दूसरी तीसरी चौथी बार जो भी है, लेकिन फिर भी अच्छे अंक आए। इसके बावजूद जो इसको निबंध में अंक मिले हैं वो है 143। और इसी साल जो निबंध में मेरे पास मार्कशीट है ना, इंग्लिश मीडियम के एक स्टूडेंट की, जो निबंध में मुझे अब तक जो नंबर मिले उनमें ज्यादा है, वो मैं तुमको बताता हूं, 175। कौन सा है ये बच्चे का? पूर्वा पांडे, 175 मार्क्स। तुम्हारे टॉपर से भी 143 और 175 में 22 नंबर ज्यादा, और 155 158 पाने वाले तो कई लोग हैं। तो देखो ये जो पेपर है, इस पेपर में अगर तुम मार्कशीट का बहुत सूक्ष्म तरीके से अवलोकन करोगे तो टॉपर 143 नंबर पर तुम्हारा हिंदी मीडियम का, इसका मतलब बाकी लोगों को 119 120 117 118 अंक मिले। जो इंग्लिश मीडियम में सेलेक्ट होने वाले लोग जो अच्छी रैंक पर सेलेक्ट हुए, कुछ उसमें से भी कम है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं सबको अंक मिले हैं, उसमें से जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उसमें पाओगे कि रेंज बन रही है 135 से 138 से, तो 18-20 नंबर का क्या है अंतर है। और जो अपर रेंज है वो देख रहे हो तुम्हारे टॉपर से भी 20 नंबर ज्यादा है। इसका मतलब है दो तीन निष्कर्ष से निकलते हैं। एक, निबंध को आप जीएस का एक्सटेंशन नहीं मान सकते, क्योंकि रवि सिहाग को जीएस में अच्छे अंक आए लेकिन निबंध में उस प्रपोर्शन में उनका नंबर हाईएस्ट नहीं है। जीएस में अच्छा अंक पाने वाला एक बच्चा जो 400 के बैरियर को ब्रीच कर रहा है, 45 नंबर भी निबंध में पा रहा है, इसका मतलब निबंध की कठिनाई का और उसके स्वरूप का जो हम इससे एक अनुमान कर सकते हैं वो हमारे जीएस की पढ़ाई से बिल्कुल इतर है। दूसरा जो मैंने निष्कर्ष निकाला कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए निबंध एक ऐसी जगह है जहां ज्यादा निवेश करके वो दो तीन तरह के एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। एक एडवांटेज ये हासिल कर सकते हैं कि
वो निबंध में दूसरों की बराबरी पर जाकर एक तो अंकों के बीच का फासला कम कर सकते हैं और दूसरा निबंध की पढ़ाई करके वो अपने विश्लेषण और तर्क की अनुमान लगाने की जो क्षमता उनकी विकसित नहीं हुई वो इसमें निवेश करके इसका फायदा प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा तक उठा सकते हैं और फिर इसका फायदा इंटरव्यू में भी है। अगर आपने निबंध बहुत अच्छे से पढ़ा और आपकी विश्लेषण की तर्क की क्षमता इसके बहाने कुछ विकसित हुई तो जो पर्सनालिटी टेस्ट का आखिरी परीक्षा आप देंगे उसमें भी उन्हीं सवालों में आपको ज्यादा अंक मिलने की संभावना होती है जिनमें किसी तरह के ओपिनियन की गुंजाइश होती है। दो तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, एक इतिहास भूगोल वाला सामान्य सवाल पूछा जाएगा और एक पूछा जाएगा ओपिनियन वाला। ओपिनियन वाले सवालों में आप तभी बढ़िया अंक हासिल कर सकेंगे जब आपने निबंध की समग्र तैयारी करके अलग अलग विषयों पर ओपिनियन बनाना सीखा है, जब मूर्त और अमूर्त दोनों तरह के विषयों पर आपकी विश्लेषण की क्षमता है। तो मैं इससे ये बात अगर कंक्लूड करूं तो मैं कहूंगा कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को निबंध पर निवेश करना चाहिए, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर निवेश करना चाहिए। ये दोनों चीजें अगर वो यहां निवेश नहीं कर रहे और इनकी बजाय वो 24 महीने निवेश कर रहे हैं जीएस के 4 पेपर पर, तो वहां से वो इंग्लिश मीडियम के इंजीनियर्स का या डॉक्टर्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इस परीक्षा में आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है, आपको आत्मविश्वास जुटाना है नंबर एक, नंबर दो आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा के अपनी क्षमता उसका प्रसार करना है, व्यक्तित्व के आयाम बढ़ाने हैं। अच्छा, निबंध की पढ़ाई से व्यक्तित्व का आयाम बढ़ेगा क्योंकि निबंध एकमात्र ऐसी पढ़ाई जिसमें आपको कला भी पढ़नी है, संस्कृति भी पढ़नी है, साहित्य भी पढ़ना है, समाज भी पढ़ना है, पर्यावरण भी पढ़ना है, महिला मुद्दे भी पढ़ने, न्याय भी पढ़ना है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो आपको, फिलॉसफी भी पढ़नी है, सोशियोलॉजी के बारे में भी थोड़ा जानना है, पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में भी आपको, भाई आपका पॉलिटिकल साइंस मान लीजिए नहीं है लेकिन अगर निबंध पॉलिटी के इश्यूज से पॉलिटिकल इश्यूज से पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब आपको थोड़ा पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। आपका फिलॉसफी विषय नहीं है लेकिन निबंध अगर फिलोसॉफिकल पूछे जा रहे हैं, पूछ ही लिया उसने सत्य यथार्थ है यथार्थ सत्य, ये तो हीगल का स्टेटमेंट है, तो बिना हीगल के बैकग्राउंड को समझे तो इस निबंध को कैसे लिख दोगे, इसका आपको थोड़ी फिलॉसफी जानने की। तो जो आयाम आप में मिसिंग है क्योंकि वो आपकी यूनिवर्सिटी सिस्टम में नहीं थे, इंटरडिसिप्लिनरिटी नहीं थी, अंतर विषय का अध्ययन नहीं था, एक विषय को पढ़ने वाला केवल एक विषय पढ़ रहा था, वो अंतर विषयक पढ़ाई की कमी भी निबंध से आप पूरी कर सकते हैं। आपके आयाम बढ़ जाएंगे, आपके सोचने समझने का नजरिया बड़ा हो जाएगा, आपके तर्क करने और अनुमान करने की क्षमता का प्रसार होगा। अमूर्त निबंधों की तैयारी करने से आप में फिलॉसफी, सोशियो, इस तरह के विषयों को कनेक्ट करने की क्षमता बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली जो मैंने कहा कि आप ज्यादा आत्मविश्वास रखेंगे और इस परीक्षा में जो 20-25 नंबर से आप निबंध में पिछड़ रहे हैं या जहां आपको होना चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं उस कमी को दूर कर सकेंगे। और 20-25 नंबर बहुत होता है, जीएस के किसी पेपर में तुम 20 नंबर बढ़ा नहीं पाओगे, यहां तो कम से कम तुम क्या कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम के करीब पहुंच सकते हो। और आखिरी बात निबंध के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग निबंध क्या है इस पर आएंगे। निबंध एक ना लैंग्वेज न्यूट्रल पेपर है, इसलिए भी इसमें हिंदी मीडियम को निवेश करना चाहिए, ये लैंग्वेज न्यूट्रल है। इकोनॉमी का नेचर ही ऐसा है कि उसमें अंग्रेजी भाषा में हमेशा सामग्री बेहतर होगी, साइंस का नेचर ही ऐसा है कि जो अंग्रेजी में ज्यादा सूट करता है उस विषय को पढ़ना और लिखना क्योंकि उसकी बेसिक शब्दावली अंग्रेजी से आई। तो साइंस, इकोनॉमी, ये सब क्या है, वेस्टर्न स्ट्रीम है, ये सब पाश्चात्य विधाएं, और जिनका मूल पाश्चात्य विधा में है उसमें हमेशा अंग्रेजी को एडवांटेज थोड़ा ज्यादा मिलेगा। लेकिन निबंध क्या है, निबंध में कुछ तड़का है समाज का, कुछ संस्कृति का, कुछ हमारी भाषा का, कुछ कला का, कुछ दर्शन का, और इनकी कोई भाषा नहीं। आप गौतम बुद्ध का कोई उदाहरण लिखेंगे, गौतम बुद्ध अंग्रेजी में तो अपनी बात कह के नहीं गए, हिंदी के ज्यादा नजदीक है, अंग्रेजी से दूर है। आप देश में गांधी का कोई उदाहरण देंगे, अंबेडकर का देंगे, तो इसी संस्कृति के लोग हैं। तो निबंध में आप क्या है पाते हैं, निबंध में आप पाते हैं कि लैंग्वेज के डिस्क्रिमिनेशन का स्कोप काफी कम है, बल्कि यहां
हिंदी में अगर आप लिखने वाले हैं और आप थोड़ा सा संस्कृत का तड़का लगा सकते हैं ना, तो आप दूसरे से निबंध में आगे निकल सकते हैं। तो ये इसलिए विषय आपको ज्यादा सूट करना चाहिए, इसकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा सूट करनी चाहिए, क्योंकि ये इसको पढ़ने लिखने में भाषा का कोई रोल नहीं है। संस्कृति समझने में, समाज समझने में, दर्शन समझने में, महापुरुषों को समझने में इसमें कोई भाषा का ऐसा बाधा नहीं। तो आप समझो जो मैंने बात कही है, इसमें बहुत कुछ लिखा होगा, मैं नहीं जा रहा हूं स्लाइड में, उन्होंने कहा था स्लाइड दिखा दीजिएगा, मैं स्लाइड नहीं दिखाऊंगा, मैं अपने तरीके से बात कर रहा हूं। तीन पेपर, एक निबंध कितने नंबर का, 250, एथिक्स 250 और इंटरव्यू 275। इनके नेचर में थोड़ी सिमिलैरिटी है, इनके नेचर में सिमिलैरिटी है। तीनों में ओपिनियन की जरूरत होती है, इंटरव्यू में भी ओपिनियन की जरूरत है, एथिक्स में भी। सारी केस स्टडी में क्या पूछा जाता है, तुम्हारा निर्णय क्या। इकोनॉमी में किस सवाल का जवाब कितना होता है, एक, लेकिन एथिक्स में किस सवाल का जवाब एक नहीं होता। ना आर्ग्यूमेंट एक जैसे होंगे, ना कई बार तुम एक विकल्प का समर्थन करोगे, अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग विकल्प का भी समर्थन, इंटरव्यू में उसी एक सवाल का जवाब अलग अलग होता है। तो ये तीनों पेपर कैसे हैं, ये जीएस के खंड में तीन पेपर है जिनमें क्या है, सब्जेक्टिविटी, आत्म निष्ठता। बाकी जीएस 1, 2, 3 इतिहास में सब्जेक्टिविटी है क्या, नहीं। भूगोल में सब्जेक्टिविटी है क्या, साइंस में सब्जेक्टिविटी है क्या। तो पूरा जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है उसमें दो तरह के पेपर हैं, एक जिनमें सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट ज्यादा है, और दूसरा पढ़ाई लिखाई का तुम्हारे खंड है जिसमें तुम पाओगे जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकेंड पेपर और जीएस थर्ड पेपर, इनका नेचर कैसा है, ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा है। ऑब्जेक्टिविटी वाले पेपर में तथ्य जानना, जानकारी जुटाना ये काम करेगा, लेकिन जहां ओपिनियन सबकी अलग अलग हो सकती, जहां निष्कर्ष सबके अलग अलग हो सकते हैं, वहां किसका रोल ज्यादा है, यहां रोल ज्यादा है किसका, यही जो मैंने बताया, विश्लेषण, तर्कणा, अनुमान। तो ये जो मैं कहता हूं ना, इसलिए नहीं कि सोचना कि ये इथिक्स भी पढ़ाते हैं इसलिए शायद रख दिया होगा, ये पेपर है सब्जेक्टिविटी का। इथिक्स में किसी सवाल का एक उत्तर सब विद्यार्थी नहीं लिखते, इकोनॉमी में एक जैसा लिखते हैं, पॉलिटी में एक जैसा लिखते हैं, इसलिए इनको पढ़ने लिखने का तरीका ही अलग है, और इसी पढ़ाई लिखाई में हमारी ट्रेनिंग ज्यादा हुई है। हम जो बीए करके आए, एमए करके आए, उसमें हमने ऑब्जेक्टिव कुछ तथ्य याद किए और उनको लिख दिया। और देखो इस वाली पढ़ाई में फिर क्या करते हो, जब यहां आते हो तो क्या करते हो, यही जीएस का फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर पढ़ने में कितना समय लगाते हो, चौथा पेपर तो मैं ही पढ़ाता हूं, मुझे पता है कितना दिन लगता है, 55 से 58 दिन, 2 साल की कोचिंग है, 24 महीने कोचिंग में 2 महीना नीत सास को देते हो, बाकी 22 महीना इन्हीं तीन को देते हो, 2 महीना छुट्टी निकाल दे रहा हूं, 20 महीना तो दे ही रहे हो इनको, तो 6 महीना एवरेज, 18 महीने की पढ़ाई के बाद इसमें अंक कितना आता है, तीनों जोड़ देंगे, अरे तीन में कौन सा हिंदी माध्यम का विद्यार्थी को 130-30 नंबर आता है, तीन पेपर में 400 पाने के लिए तो तुमको 130-35 नंबर पाना पड़ेगा एक पेपर में, 100 नंबर के हिसाब जोड़ रहा हूं, ज्यादा महत्वाकांक्षी, 100 × 3 = 300, 15-20 नंबर ऊपर कर लो तुम्हारा मन है तो, 320 कर लो ना, उधर 100 जोड़ोगे लेकिन फिर 420 हो जाएगा ना, 300 नंबर के लिए कितने महीने पढ़ा, 20 महीने। मान लो मैं इस 20 महीने में 6 महीने निकाल देता हूं कि भाई इसमें पीटी का भी कुछ खंड था, ध्यान रखना वर्ल्ड हिस्ट्री पीटी नहीं है, सोसाइटी पीटी नहीं है, सोशल जस्टिस पीटी, तो इस तीन पेपर में सब पीटी नहीं है, फिर भी मैं 6 महीने निकाल देता हूं कि पीटी, तब भी कितना बचा, 14 महीने। 14 महीने तुमने मेंस पढ़ा और नंबर कितना लाए, 300 नंबर के लिए 14 महीने। इधर आओ, इंटरव्यू की तैयारी कितने दिन करोगे, 15 दिन
ना, इथिक्स की 2 महीना, 2 महीना 15 दिन हो गया। निबंध गोल, बहुत ज्यादा ज्यादा कोचिंग होगी इसकी, कितने दिन की होगी? 15 दिन। कितना हो गया, तीनों जोड़ लोगे तो 3 महीना। 3 महीने में तुम पढ़ाई कर रहे हो कितने के पेपर की? 775 नंबर की। और 14 महीने तुम पढ़ रहे हो कितने नंबर को? 750 नंबर। 14 महीने पढ़ के 750 नंबर की तैयारी करेंगे और 3 महीने पढ़ के 775 नंबर की तैयारी करेंगे, और नंबर के बीच में कोई भेदभाव नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि ये ब्राह्मण है, शूद्र है, ऐसा नहीं, नंबर का वेटेज सबका सेम है। और अल्टीमेटली तीनों को जोड़कर ही तुम्हारी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब जरा बताओ कि इसमें जो तुम 3 महीने दे रहे हो, इसमें अंक बढ़ाने के लिए अगर हम 3 महीने और जोड़ दें और 6 महीने में भी, मतलब 3 महीने और जोड़ दें और 60-70-80 अंक तुम्हारा बढ़ जाए, तो इसका मतलब है इसमें हम 3 महीने में 3 महीने अगर जोड़ दें तो इसमें हम 70-80 अंक बढ़ा सकते हैं। वैसे भी अभी भी देखोगे, अगर तुम वैसे देखो तो जो 250 नंबर है इथिक्स का, इसमें भी लोग 90 से 100 के बीच। जो तुम्हारा 250 नंबर का निबंध है, इसमें भी मैं मान लेता हूं 115-120, और इंटरव्यू में तुम देखोगे तो मैं मान लेता हूं कि 145 से 150। तो 3 महीने में तो वैसे भी तुम इसमें ज्यादा पा रहे हो उससे, 150, 120 जोड़ लोगे 270 और 370। 3 महीने में 370 नंबर पा रहे हो और यहां 14 महीने में 300 नंबर पा रहे हो। यहां अगर 4 महीने और लगा दोगे, 14 महीने लगा चुके पहले ज्यादा, 4 और लगा दोगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना, 30 से 35 अंक बढ़ा सकते हो ज्यादा से ज्यादा। अगर किसी को 350 मिला होगा तो 370-375 तक पहुंच जाएगा, किसी को 310 मिल रहा तो 340 तक पहुंच जाएगा, 30-35 नंबर ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। लेकिन यहां तुम्हारे बढ़ाने की कोई सीमा नहीं है। तुम अकेले इथिक्स में हो सकता है 30 नंबर का जंप मार लो, अकेले निबंध में हो सकता है 30 नंबर का जंप मार लो। इसका मतलब यहां हमको समय लगाना ज्यादा मुफीद है। यहां तुम इन्वेस्ट करोगे तो उसमें तुमको जो परिणाम मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे, वो ज्यादा मिलेंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि तुमको निबंध पर समय देना चाहिए। निबंध पर इन्वेस्ट करोगे, 120-125 नंबर जो एवरेज हिंदी मीडियम का स्टूडेंट पा रहा है उसको तुम 155 तक, 150 तक ले जा सकते हो। वो 25 नंबर निबंध में 25 नंबर जोड़ेगा, और 2-3 महीने तुमने या 1.5-2 महीने जो इन्वेस्ट किया है उससे तुमको जरूर समझना चाहिए कि तुमको एथिक्स में भी 5-10 नंबर बढ़ जाए। निबंध की पढ़ाई करोगे नंबर कहां बढ़ेगा? एथिक्स में, क्योंकि दोनों सब्जेक्टिविटी वाले, ओपिनियन वाले पेपर, और इन दोनों की पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे ओपिनियन बनाने की क्षमता अगर बढ़ गई तो 10-15 नंबर इंटरव्यू में बढ़ जाए। इसलिए यहां पढ़ने के लिए 15 दिन निबंध नहीं पढ़ना चाहिए। तो कितने दिन पढ़ना चाहिए? हम लोगों ने जो प्लान बनाया है उसमें कहा है 35 से 40 दिन कम से कम, 35 से 40 दिन निबंध पढ़ना चाहिए। क्योंकि निबंध पढ़ना केवल निबंध पढ़ना नहीं है, बल्कि निबंध पढ़ना तुमको एक नए तरह की पढ़ाई लिखाई के मोड में ढालना भी है। निबंध पढ़ना तुमको ओपिनियन बनाना सिखाना भी है। निबंध पढ़ना तुमको आर्गुमेंटेटिव बनाना है। निबंध पढ़ना तुम्हारी डायमेंशंस बढ़ाना है। निबंध पढ़ना किसी विषय पर समग्रता से जब तुम जान जाते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ जाता है। अगर एक विषय में तुमको कॉन्फिडेंस आ गया, तुमने समझा कि हमने इस पर 3 दिन निवेश किया और हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस है, किसी से बात कर सकते हैं, टीचर से कर सकते हैं, तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब यही पढ़ाई का सही तरीका है। अगर हम इसी तरीके से कोर यूपीएससी के टॉपिक्स में निवेश कर दें और इस तरह से होलिस्टिक समझ हमारी बढ़ जाए तो हम सवालों को ज्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर जो हमने बनाया है निबंध का पूरा आइडिया, वो करीब जैसे मैंने कहा कि मिनिमम 35 और ऊपर वाला सोचा है कि 40 दिन तक जाएगा। जो 40 दिन है इसमें करीब मान के चलो कि 22 से 23 दिन पढ़ाऊंगा। 22-23 दिन में 7-1 दिन के आसपास, 1 सप्ताह मान लो, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे किसकी? अमूर्त निबंध की।
सत्य और यथार्थ क्या है, आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, आत्मसंधान की प्रक्रिया कैसे बनेगी, अलग अलग तरह की बात। दार्शनिक कहते क्या थे, करना क्या चाहते थे, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास का एक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक तुम उस तरह से सोचने में सक्षम नहीं होगे। और ध्यान रखो, हम यहां दर्शन नहीं लिखते हैं, निबंध में दर्शन नहीं लिखते, लेकिन दर्शन की समझ हमको निबंधों को खोलने में मदद करती है। मैंने अगर एक बार समझ लिया, जैसे मान लो मैं तुमको समझाता हूं, बहुत आसान लगेगा तुमको। निबंध आया था सत्य यथार्थ है, यथार्थ सत्य है, असल में वो हिंदी अनुवाद उसका गलत था, अंग्रेजी में था रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल, उसका अनुवाद होना चाहिए था सत्य बौद्धिक और बौद्धिक सत्य है। ठीक है, मैं दो मिनट में तुमको समझाता हूं, देखो समझ जाओगे, और निबंध कैसे इसके बहुत सारे आयाम खुल जाएंगे। अमूर्त निबंध सबसे आसान होता है, लेकिन उसकी हमको ट्रेनिंग नहीं, उसकी पढ़ाई नहीं की। जैसे मैंने ये निबंध लिया, रियल इज रैशनल, और दूसरा था रैशनल इज रियल। ठीक है, अब इसको लिख क्या रहे हो, छापने की तुमको ऐसी आदत पड़ गई है, मैं रैशनलिटी बात कर रहा हूं, तुम लिख रहे हो। रैशनल क्या होता है, रैशनल का मतलब होता है जो बुद्धि से जुड़ा हो, जो बौद्धिक हो। ठीक है, जो बुद्धि से जुड़ा है, जो बौद्धिक है और रैशनल है। और रियल का मतलब होता है हकीकत, सच्चाई, फसाना नहीं, हकीकत। कहते ना आधी हकीकत आधा फसाना, इसमें फसाना कुछ नहीं, सब हकीकत, वास्तविक। तो जो वास्तविक है, जो हकीकत है, अब एक दार्शनिक कहता है कि दुनिया में जितनी हकीकत है वो सब मनुष्य के दिमाग और बुद्धि पर टिकी हुई है। जैसे जैसे हमारी बुद्धि बदलेगी वैसे वैसे दुनिया बदल जाएगी। सारा कुछ हमारे आइडिया से निकलता है। दो तरह के लोग हैं, एक लोगों को कहते हैं, एक तरह के लोगों को कहते हैं यथार्थवादी। यथार्थवादी, यथार्थवादी कहते हैं कि बाहर हमको ये कलम दिखाओगे और बच्चे को सिखाओगे दिस इज पेन, दिस इज पेन, दिस इज पेन, तो बच्चा दिस इज पेन सुनते सुनते एक दिन पेन का आइडिया बना लेगा, अब पेन सीख जाएगा। यथार्थवादी कहते हैं हमारा जितना ज्ञान आया और हमारी जो दुनिया बनी है वो सब बनी है बाहर से समझ बनाकर। बाहर की समझ हमारी बदलेगी तो हमारी दुनिया, हमारी सब कुछ बदल जाएगा। बाहर की चीजें बदलेंगी तो हमारी दुनिया बदल जाएगी, हमारी समझ बदल जाएगी। तो एक तरह के लोग थे जो कहते थे सारी समझ का स्रोत बाह्य जगत, और बाह्य जगत से तुम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हो, तर्क से या अनुभव से? अनुभव से, देख के, देखते हो, सूंघते हो, खाते हो, छूते हो और उससे ज्ञान प्राप्त करते हो। तो एक बड़ा वर्ग था जो क्या मानता था, मानता था रियलिटी हमारी जो है वो सारी बाहर है, उसका अनुभव से हम बनाते हैं आइडिया। दूसरा एक आदमी आया, उसने कहा नहीं, उसने कहा रियलिटी हमारी सारी बुद्धि से बनती, हमने कभी कैमरा थोड़े देखा था, हमने पहले कैमरा का आइडिया बनाया, जब आइडिया बन गया तब दुनिया में कैमरा आया। हवाई जहाज हमने कभी देखा नहीं, हमने आइडिया बनाया, हवाई जहाज आ गया। तो क्या कहेगा ये, हमारी पूरी दुनिया को कौन कंट्रोल करता है, अनुभव नहीं, कौन? बुद्धि। यही बुद्धि मनुष्य की बदलती जाएगी, विकसित होती जाएगी, तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। इस दार्शनिक का नाम हीगल है। क्या कहता है, कहता देखो एक समय हमारी बुद्धि कमजोर थी, हम प्रकृति को देखते थे, बारिश को हम समझ नहीं पाते थे, भूकंप को नहीं समझ पाते थे, बाढ़ को नहीं समझ पाते थे, मौसम के बदलने को नहीं समझ पाते थे, तो हम सोचते सब भगवान कर रहा है। पर हमने क्या किया, प्रकृतिवादी धर्म बना लिया, जिसमें प्रकृति की शक्तियों को देवता बना दिया। हमारे लिए उस समय सब देवी देवता थे, इंद्र था, वरुण था, अग्नि था, मरुत था, सब थे, ये हमको रियल लगते थे क्योंकि हमारी बुद्धि उस समय विकसित नहीं थी। आगे आए हम, हमने एक समय मानसून बनना, मौसम बनना, बाढ़ कैसे आती है, सूखा कैसे हो रहा है, ज्वालामुखी, ला नीलो, अल नीलो, सब समझ लिया। जब सब समझ लिया तो हम इसकी व्याख्या किसे करने लगे, बुद्धि से, और बुद्धि से व्याख्या करने लगे तो इंद्र गायब हो गया।
इंद्र की जरूरत हमको खत्म हो गई, ढेर सारे देवता हमारे क्या हो गए, गायब हो गए, हमारा धर्म का नेचर क्या हो गया, बदल गया। तो धर्म का नेचर कौन तय कर रहा है? बुद्धि। अविकसित बुद्धि से बना धर्म अलग, विकसित बुद्धि से बना धर्म अलग। तो आज से 2000 साल पहले जो धर्म हमारे लिए रियल था वो आज रियल नहीं रह गया। फिर आ जाओ समाज पे। हमारा समाज जो आज से 2000 साल पहले था कैसे बना था? हमारी उस समय की बुद्धि से। क्या मानते थे हम? कि कुछ लोग दास बनने के लिए ही पैदा हुए और कुछ स्वामी हैं। आज हमारी बुद्धि में क्या बात आ गई? कि सब फर्जी। न वर्ण व्यवस्था बची, न दास प्रथा बची, पितृसत्ता भी टूट रही है। क्यों? क्योंकि हमारा बौद्धिक आइडिया बदल गया। परिणाम क्या हुआ? हमारा समाज बदल गया। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि देखो, जो कुछ रियल है दुनिया में, जो कुछ वास्तविक है, वो उस समय की बौद्धिकता से गढ़ा गया है। और जैसी बौद्धिकता होगी उसी के अनुरूप वस्तुएं हकीकत बदलती चली जाएगी। अब हम इस निबंध को अगर लिखना चाहते हैं तो क्या कर दें? सारा साइंस का डेवलपमेंट, सारा समाज का डेवलपमेंट, सारा धर्म का डेवलपमेंट एक एक खंड उठाते जाएं, विचारधारा, इकोनॉमी सब रखते जाएं और दिखा दें क्या कि बात वाकई सही। जब हमारी बुद्धि का विकास होता है, रैशनलिटी बढ़ती है, रैशनलिटी बदलती है, तो जिन चीजों को हम 200, 400 साल पहले रियल और सही मान रहे, तो चीजें क्या होती? गायब हो जाती। जैसे आज भारत में राजतंत्र नहीं है। किसने गायब किया राजतंत्र को? राजतंत्र रियल नहीं, हकीकत नहीं रह गया हमारे देश में आज। किसने गायब किया राजतंत्र को? बुद्धि। हमारे बौद्धिक आइडिया ने ढूंढ लिया कि राजतंत्र सही प्रणाली नहीं है, उसकी जगह लोकतंत्र ले आए। लोकतंत्र ले आए तो राजतंत्र गायब हो गया। अब अगर ये बात हमको समझ में आ जाए तो क्या करेंगे? इस निबंध पे हम 10 पेज लिख लेंगे। हम शासन प्रणाली पर जाएंगे, हम संविधान पर जाएंगे, हम सामाजिक कुरीतियों पर जाएंगे, हम आज की नैतिकता पर जाएंगे, हम आज की कला पर जाएंगे ना, हम आज के समाज पर जाएंगे, हम आज की संस्कृति पर जाएंगे, धर्म पर जाएंगे, और सब जगह क्या कह देंगे? ये बात सही है, ठीक है। लेकिन इसके लिए पहले हमको यथार्थवाद और आदर्शवाद की डिबेट पढ़नी पड़ेगी कि दुनिया में कैसे दो तरह की विचारधाराएं, जिनमें एक कहता था सब कुछ अनुभव से बनता है, अनुभव से बनने वाले लोगों ने हमेशा बाहरी दुनिया को ज्यादा महत्व दिया। दूसरे लोग थे जो, जिनको हम कहते हैं आदर्शवादी, आइडलिस्ट, विज्ञानवादी, बुद्धिवादी, जिन्होंने आइडिया को ज्यादा महत्व दिया। इन्होंने कहा बाहर से कुछ नहीं बनता, सब कुछ मनुष्य के भीतर से बनता है। हमारे भीतर से जैसे चीजें बदलती हैं, बाहर की दुनिया बदल जाती है। एक कांट नाम का दार्शनिक कहता है अंडरस्टैंडिंग मेक्स नेचर, बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है। हमारी बुद्धि जैसे बदलेगी प्रकृति बदल जाएगी, और बुद्धि के अनुरूप प्रकृति अलग अलग। जैसे भैंस की बुद्धि जितनी है उसके लिए दुनिया वैसी है। भैंस की दुनिया में फिजिक्स विजिक्स नहीं है, कर्नाटक शैली का संगीत नहीं है, हमारे लिए है। व्हेल मछली के लिए तमाम पकवान जो तुम बंसी वाला पे खाते हो सब गायब है, क्योंकि उसके पास कैटेगरी। तो हर प्राणी के लिए क्या है? नेचर अलग अलग। मनुष्य के लिए प्रकृति अलग है, भैंस के लिए अलग है, शेर के लिए अलग है, सबके लिए प्रकृति। तो कौन प्रकृति में बदलाव कर रही? बुद्धि। कांत का स्टेटमेंट, हो सकता है अगले साल कभी 2 साल बाद ये पूछ लिया जाए। तो जो ये पूरा अमूर्त खंड है इसको हम क्या करते हैं? इसको हम दर्शन के अलग अलग आइडियाज के डेवलपमेंट से समझने की कोशिश करते हैं कि उदारवादी आए तो उन्होंने क्या कहा, समाजवादी आए तो उन्होंने क्या कहा, आदर्शवादी आए तो उन्होंने क्या कहा, अलग अलग तरह अलग अलग समय में कौन से दर्शन डोमिनेंट थे, उससे हमारी दुनिया पर क्या प्रभाव। जब इसको समझोगे तो अमूर्त निबंध करने की क्षमता तुम्हारी बढ़ जाएगी। अमूर्त निबंध शब्द से नहीं खोल पाओगे, अमूर्त निबंध खोलोगे उस समझ से जो समझ तुम्हारे पास दर्शन के पूरे स्ट्रक्चर को समझने के बाद आएगी। इसी की पढ़ाई मैंने कहा कि हम लोग 6 से 7 दिन में करेंगे। रुको, पहले बात पूरी कर लूं ना, क्योंकि समय भी कम ही है, तो पहले कर लें तो आज बहुत सारी बात कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि आज मैं टारगेट लेके आया था कि निबंध में क्या पढ़ाऊंगा ये बताना है, तुमको निबंध क्यों दूसरों से ज्यादा पढ़ना चाहिए ये भी बताना है, फिर निबंध होता क्या है ये भी बताना है, फिर निबंध लिखा कैसे जाता है ये भी बताना है, लेकिन ये सब बात हो नहीं पाएगी। तो अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, किसी और दिन जाएगी, ठीक है, कभी और जाएगी, आज नहीं जा पाएगी, आज तो देखते हैं। तो पहले मुझे बोल लेने दो ना, तो तुम्हारी बात सुन ही लूंगा। अरे रुक जाओ भाई, तुम इथिक्स से सवाल पूछ रहे हो, मुझे याद तुम्हारी आवाज याद रही, हाँ तब से पूछे जा रहे हो सवाल, अब मुझे बोलने दो आज। तो
सात दिन करीब हम लोग अमूर्त निबंध पर बात करेंगे। फिर तुम अगर पिछले इयर्स के निबंध के सवाल देखोगे, तीन तरह के सवाल जो आपको दिए गए होंगे, ये सवाल इसमें पीसीएस यूपीपीसीएस शामिल किया गया और यूपीएससी शामिल किया गया, ठीक है। अब उसको खोलने की जरूरत नहीं है, इतना गंभीर तरह के विद्यार्थी हो कि तुम दिखाते हो कि देखिए हम तुरंत तत्पर हम सब देखेंगे अभी। ऐसा थोड़े कि आज इंतजार कर रहे थे कि जिस दिन वर्कशॉप होगा उसी दिन निबंध के लिए पहली बार एनालिसिस करोगे। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो एक तो अमूर्त निबंध पढ़ेंगे जो मैंने बताया, उस पर तो काम करेंगे ही, दूसरे जिन थीम्स को आपको पढ़ना चाहिए, जो थीम्स आपको निबंध लिखने के लिए एक व्यापक समझ देते हैं, एक तो होता है निबंध पढ़ना और एक होता है निबंध की ओवरऑल समझ बनाना। क्योंकि यहां आपको मैंने दिखाया कि निबंध लिखोगे तुम सत्य यथार्थ है या सत बौद्धिक या बौद्धिक सत्य, और इस्तेमाल करोगे धर्म का, इस्तेमाल करोगे न्याय की संकल्पना का, इस्तेमाल करोगे स्त्रियों की समाज में स्थिति का। तो दिखने में तो नहीं दिख रहा है कि सत बौद्धिक और बौद्धिक सत्य में हमको स्त्रियों की बात करनी चाहिए, लेकिन हम तो करेंगे। हम कहेंगे कि आज से 2000 साल पहले स्त्रियों के बारे में जो हमारा आइडिया था, वो आइडिया यही था कि स्त्रियां पुरुषों से अलग होती हैं, उनकी क्षमताएं पुरुषों से अलग हैं, इसलिए हमने उनको काम काज उनके नैतिकता को सबको पुरुषों से क्या कर दिया, अलग कर दिया। जैसे हमने समझा कि स्त्रियां पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं, और उनको बनाने का ढंग जो हमने अलग कर रखा उसको बदल दें तो स्त्रियों पुरुषों में शरीर के अंतर के अलावा कोई अंतर नहीं बचेगा। वैसे हमारे स्त्रियों की परवरिश करने का, उनको पालने पोसने का नजरिया बदलता चला जा रहा है। तो आज आप पाएंगे कि मां बाप ने बेटियों को भी वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे पहले बेटों को पढ़ाते थे। अब ये बात हम लिखेंगे कहां, जेंडर की बात लिखेंगे कहां, अमूर्त निबंध में। तो क्या ऐसा सेग्रीगेशन होता है क्या कि आर्ग्यूमेंट जो आप बनाते हैं उनको किसी एक खास जगह लिखते हैं? नहीं। इसलिए यह बड़ा सुपरफिशियल आइडिया है कि हम कोई निबंध पढ़ेंगे और उस निबंध में वो बात लिखेंगे। नहीं, आप कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जिनको हर जगह लिखेंगे, इससे आप एम्पावर्ड फील करते हैं। और ऐसे 7-8-10 थीम मैंने सोचे हैं, जो थीम्स अगर आप पढ़ते हैं तो आज के समय में आप जो निबंध की चुनौतियां हैं उनको ज्यादा व्यापक तरीके से हल कर सकते हैं। और जब मैं ऐसा कहता हूं कि आप हल कर सकते हैं तो मैं मानता हूं कि देखो निबंध लिखने के दो ही तीन तरीके हैं, दो ही तीन अप्रोच हैं। एक अप्रोच है कि सारा निबंध जितना हमसे पूछा जाता है उसमें असल में मनुष्य केंद्र में है, मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का समाज, मनुष्य की अर्थव्यवस्था, मनुष्य का राजनीतिक ढांचा, मनुष्य की नैतिकता, मनुष्य की संस्कृति, मनुष्य का साहित्य, तभी ना। इसका भी सारे घटक जो है क्या है, वो मानव के अलग अलग अंग हैं। तो मान लो मैं साहित्य पढ़ूं और मैंने समझा है कि अंततः सारी चीजें मनुष्य के लिए गढ़ी गई हैं, और मनुष्य की किसके लिए गढ़ी गई होंगी, मेरे दिमाग में एक आइडिया मानव कल्याण के लिए, किसके लिए गढ़ी गई होंगी, मानव की बेहतरी के लिए, मानव की समस्याओं के समाधान के लिए। तो जब मैं साहित्य पढ़ूंगा तो मुझे क्या देखना चाहिए, साहित्य ने मानव की समस्या के समाधान में क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया, साहित्य ने विचारधारा के स्तर पर हमको क्या दिया, विचारधाराओं से मनुष्य की विचारधारा से कैसे प्रभावित हुआ, साहित्य से हमारे समाज और संस्कृति का जुड़ाव कैसे है, हम सब चीजों में क्या कर रहे हैं, उसको मनुष्य का घटक मानकर पढ़ रहे हैं। हमने मनुष्य को रखा है बीच में, उसी मनुष्य का एक हिस्सा माना है साहित्य, उसी का एक हिस्सा माना है संस्कृति, उसी का एक हिस्सा माना है न्याय, उसी का एक हिस्सा माना है आधुनिक सारी नैतिकताएं, उसी का एक हिस्सा माना है विकास और कल्याण ना, और उसके घटक के रूप में हमने जब देखा। तो हम साहित्य भी जब पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि साहित्य को भी हमको बाकी चीजों से जोड़ना है। जब आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो जो थीम्स मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं उसमें एक थीम जो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, वो लगती है न्याय, आइडिया ऑफ जस्टिस। हम जिस एरा में जी रहे हैं अभी, उस एरा में हम जो चीज हासिल करना चाह रहे हैं वो तो क्या है, न्याय। किसके लिए, स्त्रियों के लिए न्याय, दलितों के लिए न्याय ना, वंचितों के लिए न्याय, समलैंगिकों के लिए न्याय। तो एक बहुत बड़ा आइडिया हमारा है, किसका है, जस्टिस का है। तो अगर हम जस्टिस की थीम को ठीक से समझ लें, जस्टिस क्या होता है, उसके कौन कौन से बड़े डोमिनेंट आइडिया हैं, उन आइडियाज की स्ट्रेंथ और वीकनेस
क्या है, जस्टिस से हम क्या हासिल कर सकते हैं, तो उसका प्रयोग हम अलग अलग जगह पर करेंगे। उसका प्रयोग कहां कहेंगे करेंगे, लैंगिक कोई सवाल पूछा जाएगा जेंडर बेस्ड, उसमें भी करेंगे। वंचित वर्ग का कोई सवाल पूछा जाएगा, उसमें भी करेंगे। समाज को बेहतर बनाने का कोई सवाल पूछा जाएगा, उसमें भी करेंगे। संस्कृति का कोई सवाल होगा, हमारी संस्कृति अच्छी है बुरी, जस्टिस के आइडिया से, उसमें भी उसका इस्तेमाल करेंगे। तो एक टॉपिक कौन सा है, न्याय, हमको पढ़ना है जस्टिस। अब देखो इसमें एक किताब लिखी अमर सेन ने, इन्होंने भी उसका नाम लिया आइडिया ऑफ जस्टिस। उस आइडिया ऑफ जस्टिस में अमर सेन ने सब कुछ पिरो दिया है। और तुम्हारी एक टॉपर, नाम उसका टीना डाबी, उसने जो निबंध लिखा था उसमें, उसके निबंध में पाओगे कि पूरा आइडिया ऑफ जस्टिस का सार ही उसने निबंध में लिख दिया। फर्स्ट रैंक करे वो, देखना उसका निबंध, उसमें आइडिया ऑफ जस्टिस भरा हुआ है। इसका मतलब है कि हमको एक न्याय की अवधारणा पर समझ बनानी चाहिए, ठीक है। तो एक थीम क्या हो गई, अमूर्त के बाद न्याय। दूसरी थीम हम लोग जो चूज करेंगे वो चुनेंगे जेंडर डिस्कोर्स। क्यों, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिस पर यूपीएससी ने आज तक सबसे ज्यादा निबंध पूछे, पीसीएस भी इस पर निबंध पूछता है, यूपी पीसीएस भी पूछता है, हाल के वर्षों में पूछे गए। जैसे 2021 का ही निबंध अगर आपने देखा हो तो 2021 का जो निबंध है वो पूछा गया है, इसको इन्होंने रखा होगा समाज और संस्कृति में। सवाल है 2020 का निबंध है ये, पितृ सत्ता की व्यवस्था नजर में बहुत कम आने के बावजूद सामाजिक विषमता की सबसे प्रभावी संरचना है, ये जेंडर पर निबंध है, अभी 2020 में पूछा गया है। तो जेंडर पर आप पाएंगे हर लगभग 2 साल बाद किसी न किसी तरीके से जेंडर पर सवाल पूछा जाता है। अच्छा, जेंडर पर सवाल ना भी पूछा जाए तो, जब मैंने कहा कि आप निबंध इस भाव से मत पढ़िए कि आप कोई निबंध लिखने के लिए पढ़ रहे हैं, आप इस भाव से पढ़िए कि उसमें जो कुछ पढ़ रहे हैं उसका हम अलग अलग जगह क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। वो केवल कच्चा माल दे रहा है, उस कच्चे माल को हम बहुत सारी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जेंडर पर जब आप निबंध पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि दुनिया में किसी एक वर्ग के शोषण से पर्यावरण पर, राजनीति पर, सामाजिक संरचना पर, मानव की आवृत्ति पर, उसकी संवेदनशीलता पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर, आंतरिक सुरक्षा के ढांचे पर, सामाजिक न्याय पर क्या फर्क पड़ता है, हमारी पॉपुलेशन पर क्या फर्क पड़ता है। जिस दिन स्त्रियां एम्पावर्ड हो जाएंगी आपकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि एम्पावर्ड स्त्री प्रजनन ज्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि वो केवल घरेलू जीवन की प्राणी नहीं रह गई, वो सार्वजनिक जीवन की प्राणी भी, और सार्वजनिक जीवन की प्राणी होने पर उसके पास समय बच्चा परवरिश करने का, पालने का कम है। तो जैसे आप स्त्रियों को एम्पावर करेंगे वैसे क्या पाएंगे आप, स्त्रियों के एम्पावर होते ही पॉपुलेशन गिरने लगेगी, और स्त्रियों के एम्पावर होने पर पॉपुलेशन अगर गिरेगी तो पर्यावरण पर दबाव कम हो जाएगी। तो स्त्रियों के एम्पावरमेंट का आइडिया कहां से जुड़ता है, पर्यावरण संरक्षण से, कि तुमको पर्यावरण संरक्षण हासिल करना है तो महिलाओं को सशक्त बनाना शुरू कर दो। तो ये जो दुनिया हमारी है ना, इसमें जो अलग अलग थीम्स हैं वो अलग अलग नहीं है, ये सारी थीम्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस धारा को जो कहती है कि अगर आपको पर्यावरण की समस्या का वो सबका समाधान करना है तो स्त्रियों की समस्या का समाधान करो, इसका नाम है इको फेमिनिज्म, पारिस्थितिकी स्त्रीवाद। तो हम एक थीम पढ़ेंगे जेंडर। जेंडर की थीम से हम देखेंगे कि अगर हम एक थीम को किसी ऐसे पढ़ लें तो उससे हमको संवेदनशीलता के बारे में निष्कर्ष निकालने में, राजनीतिक प्रणाली के बारे में निष्कर्ष निकालने में, लोकतंत्र, इकोनॉमी, पर्यावरण, कैसे हम निष्कर्ष ढेर सारे निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली हमको करना क्या है, अपने सोचने समझने, विश्लेषण करने, इसका दायरा बड़ा करना है। तीसरी थीम जो हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पर्यावरण, इकोलॉजी, इकोलॉजिकल बैलेंस। और यहां जब हम पढ़ेंगे तो हम बाढ़ सूखे के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि जो इकोलॉजी, इसका इंबैलेंस क्रिएट हुआ है, इसका एक संबंध मनुष्य की समानता की अवधारणा से कैसे, हमारी राजनीतिक प्रक्रिया से कैसे, इसका संबंध हमारी नैतिकता से कैसे, इसका संबंध हमारे तर्क से कैसे। मनुष्य तार्किक ज्यादा होगा तो मनुष्य को तो फायदा हुआ है लेकिन पर्यावरण को नुकसान हुआ,
क्योंकि तार्किकता ने प्रकृति का रहस्य खत्म कर दिया। जो प्रकृति एक समय देवता थी, नदियां देवी हैं, मां हैं, पहाड़ सब वो भी देवता हैं, और देवताओं और देवियों इनके साथ मनुष्य का व्यवहार कैसा होता है, शोषण परक या श्रद्धा मूलक। तो प्रकृति की पारिस्थितिकियों का आप एक समय क्या करते थे, आदर सम्मान पूजा, क्योंकि आप उनसे डरते थे, क्योंकि मानते थे कि ये इन पर हमारा जीवन निर्भर है। प्रकृति में क्या था, मिस्टीक था, रहस्य था। जैसे हमारे पास तर्क आया, उसने क्या किया, तर्क ने पहला काम यह किया प्रकृति के सारे रहस्य को खत्म कर दिया। प्रकृति के रहस्य को खत्म करके क्या समझाया, अरे ग्रह है ये सब बिग बैंग से बना है, इसमें कोई जीवन हुआ नहीं। तो जब आप प्रकृति के साथ बर्ताव करते थे उसको देवता मानकर उसके घटकों को, तो आप उसको जीवित मानते थे और जीवित प्राणी के साथ आप नैतिकता का पालन करते थे। और जब आप प्रकृति को क्या मान लेते हैं कि जड़ है, जड़ चीज क्या होती, वस्तु, और वस्तुओं के साथ नैतिकता लागू नहीं होती, तो वस्तु को, जैसे हमने प्रकृति को क्या बना दिया, वस्तु बना दिया, वस्तु का क्या करते हैं, उपभोग, दोहन, तो हमने क्या किया, प्रकृति का उपभोग किया। किसने यह संभव बनाया, तर्क ने। कौन जिम्मेवार है, न्यूटन पहला आदमी है जो इस आइडिया के लिए जिम्मेवार है। तो जब पारिस्थितिकी विशेषज्ञ बात करते हैं तो कहते हैं न्यूटन टर्निंग पॉइंट है दुनिया का, डेकार्त और न्यूटन ये दो टर्निंग पॉइंट है जिन्होंने क्या साबित कर दिया कि पूरी दुनिया बल और गति के नियम से चल रही है, भगवान भगवान इसको नहीं चला रहा, इसमें चमत्कार, गति के तीन नियम है उनसे दुनिया चल रही। और जिस दिन गति के नियम से दुनिया चलने लगी ये मशीन बन गई। न्यूटन ने कहा हमारी दुनिया बहुत बड़ी मशीन की तरह, और मशीनों में कोई जान, कोई चेतना, टेलियोलॉजी नहीं होती, और हमारा पूरा आइडिया प्रकृति के लिए क्या हुआ, बदल गया। उसी दिन से तय हो गया कि हम प्रकृति के साथ क्या करेंगे, अब मनुष्य और मनुष्य वाला नहीं, मनुष्य और देवता वाला नहीं, मनुष्य और वस्तु वाला संबंध बनाएंगे। और मनुष्य और वस्तु वाले संबंध में न संवेदना होती है, न नैतिकता होती है कुछ। इसके कारण क्या हुआ है, पारिस्थितिकी क्षरण, पारिस्थितिकी दोहन हुआ है। तो हम जब इकोलॉजिकल डिस्कोर्स को पढ़ेंगे, इकोलॉजी को पढ़ेंगे, तो उसकी प्रॉब्लम का नेचर, प्रॉब्लम कैसे पैदा हुई, उस प्रॉब्लम के पैदा होने पर क्या हुआ, जो अलग अलग तरीके के उसके साथ जुड़े हुए मामले हैं ना, जैसे आप जब पढ़ते हैं देखते होंगे, आपने सुना होगा कुछ इस तरह की बात, तो आपने सुनी होगी कि 1 किलो गाय का मांस बनाने में 2,000 से 8,000 लीटर तक पानी लगता है, अल्फा अल्फा घास पैदा करने में 45,000 लीटर पानी 1 किलो घास पैदा करने में लगता है। तो हमने कैसे जो अपनी दुनिया गढ़ी और दुनिया में जो अपनी जरूरतें गढ़ी, वो जरूरतें नेचर के पूरे आइडिया के साथ संगत नहीं है, और इस कारण से हमारे कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन वैल्यू के साथ इस पूरे नेचर के बैलेंस का टकराव है। इसका मतलब, इसका समाधान तकनीक से नहीं, इसका समाधान नई संस्कृति, नए आइडिया से होगा। इस पर हम लोग बात करेंगे, देखेंगे कि कैसे आप पर्यावरण की समस्या को समझने का जो अभी तक वैज्ञानिक नजरिया रखते हैं कि तकनीक से, क्लीन टेक्नोलॉजी से, क्लीन एनर्जी सोर्सेस से, इनसे हम क्या कर लेंगे, इनसे पर्यावरण की समस्या का समाधान कर लेंगे। ये बड़ा संकीर्ण नजरिया है, ये एक नजरिया है, लेकिन इसके फ्लॉज क्या है वो आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि जब निबंध लिखते हैं ना तो उस निबंध में ओरिजिनैलिटी की जरूरत होती। जो 10 लोग बात कह रहे हैं वही बात कह दोगे तो अंक थोड़े ज्यादा पा जाओगे। तुम पर्यावरण का निबंध लिखोगे, जब लिखोगे कि ये पर्यावरण की जो समस्या है इसको हम न्याय के साथ देख रहे हैं, इसको हम कल्चर के साथ देख रहे हैं, इसको हम फिलॉसफी के साथ देख रहे हैं, इसको हम नैतिकता के साथ देख रहे हैं, हम अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, तब उस निबंध में ओरिजिनैलिटी, मौलिकता, नयापन आता है, और तब उसमें अंक प्राप्त करने की, तो हम पर्यावरण की थीम पढ़ेंगे। आजकल एक नई थीम है जिस पर जोर देना जरूरी है, वह है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। हम नेशनलिज्म पर इसलिए पढ़ेंगे कि इस नेशनलिज्म के आइडिया से हम समझेंगे कि हमारे नेशनलिज्म के आइडिया से राष्ट्र की एकता, अखंडता, इस तरह के कॉन्सेप्ट को कहां मजबूती मिलती, और यह नेशनलिज्म का आइडिया कैसे डिविसिव है, विभाजनकारी है। भारत में काम क्यों करेगा और क्यों नहीं करेगा, यूरोप में काम क्यों किया, इससे आप भविष्य की समस्याओं के बारे में, राष्ट्रवाद किस किस्म का प्रॉब्लम पैदा कर सकता है,
किस किस्म की समस्याएं सुलझा सकता है, इसके बारे में एक दृष्टिकोण बनाएंगे। फिर एक थीम है विकास, डेवलपमेंट। पूरी दुनिया विकास करना चाहती है, लेकिन विकास के बहुत सारे मॉडल हैं, अलग अलग मॉडल्स हैं। जब तक हम विकास के इन सभी मॉडल्स की कॉम्परेटिव समझ नहीं रखते, तब तक हम यह समझ नहीं पाएंगे कि गवर्नमेंट की अलग अलग तरह की पॉलिसी, अलग अलग तरह की स्कीम, इकोनॉमी के अलग अलग मॉडल, उनमें क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है। उसकी पूरी बात समझकर हम समझ पाएंगे कि विकास का एक आइडिया क्यों खराब है, क्यों अच्छा है, दूसरा आइडिया क्यों खराब और क्यों अच्छा है। अगली थीम जो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे शिक्षा। शिक्षा केवल इसलिए नहीं कि शिक्षा का मायने, शिक्षा इसलिए क्योंकि शिक्षा एक मींस भी है और एंड भी है, साध्य भी और साधन भी है। साधन के तौर पर जब हम शिक्षा देखते हैं तो उसकी क्या चैलेंजेस है, साध्य के तौर पर शिक्षा का क्या मायने है। हमारी दुनिया में शिक्षा को साध्य मानने का महत्व कैसे कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, साधन वाली शिक्षा का महत्व बढ़ा है, उससे कैसे हमारे शोध पर प्रभाव पड़ा है। जो लोग सिर्फ शिक्षा को साधन मानेंगे अच्छा शोध नहीं कर पाएंगे। तो हम प्राथमिक शिक्षा की हमारी चुनौतियां क्यों तैयार हुई, हमारे देश में दी जाने वाली शिक्षा का कैसे हमारी सामाजिक समस्याओं के हल में कोई योगदान नहीं बन पा रहा है, इससे न्याय क्यों नहीं आया। कक्षा में अक्सर तुमको पढ़ाते हुए कहा होगा एथिक्स कि पढ़े लिखे लोग दहेज लेते हैं, इसका शिक्षा हमारी सामाजिक समस्याओं को सुलझाती नहीं है। तो हम शिक्षा के बारे में उसकी नई शिक्षा नीति क्या है, शिक्षा का आइडिया क्या है, शिक्षा के मॉडल में क्या गड़बड़ी आई, कैसे दूर कर सकते हैं, शिक्षा का क्या नया आइडिया हो सकता है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो एडुकेशन पर, पर्यावरण पर, विकास पर, न्याय पर, जेंडर पर, ये थीम्स हैं जिन पर अगर आप समझ बनाते हैं तो आपका जो आइडिया व्यापक होगा। और उसके अलावा समाज पर, संस्कृति पर दिख पाएंगे कि बात हम करते हैं पर्यावरण पर और चले जाते हैं स्त्री पर। स्त्री पर बात करके हम सेकुलरिज्म तक जा सकते हैं। सेकुलर कंट्रीज में स्त्रियों की स्थिति ज्यादा बेहतर हो, धार्मिक राज्यों में कम होगी, क्योंकि सेकुलरिज्म किस पर टिका है, तर्क पर, और तर्क बढ़ा तो स्त्रियों का शोषण करना संभव, क्योंकि स्त्रियों का जितना शोषण है किस पर टिका है, परंपरा पर कि तर्क पर, परंपरा पर, आस्था पर। इसलिए सेकुलरिज्म बढ़ेगा तो स्त्रियों को क्या होगा, फायदा हो, आस्था वाले देशों में स्त्रियों का क्या है, नुकसान है। तो सेकुलरिज्म जैसे आइडिया से क्या जुड़ता है, स्त्री का मामला जुड़ता है। तो ये जो आइडियाज है ना, हमारी दुनिया जो बनी है इसमें ऐसा नहीं था सेकुलरिज्म आया है कहीं मंगल ग्रह पे लागू करने के लिए। सेकुलरिज्म जब किसी हमारी दुनिया में लागू करने के लिए आया तो उसका एक सिरा न्याय से जुड़ता है, दूसरा सिरा मानव कल्याण से जुड़ता है, तीसरा सिरा हमारे विकास से जुड़ता है, चौथा सिरा हमारी तार्किकता से जुड़ता है। और इन सबसे हम अगर सेकुलरिज्म को जोड़ के सीखते हैं तो हम सेकुलरिज्म की जो संकीर्ण समझ हमारी है कि धर्म को राजनीति से अलग करना सेकुलरिज्म, ये जीएस के लिए हो सकती, ये निबंध के लिए नहीं। निबंध के लिए सेकुलरिज्म का मतलब है हमारी पूरी दुनिया को बदलने का आइडिया कैसे है। ये सेकुलरिज्म आने के बाद कल्चर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सेकुलरिज्म आने के बाद लिटरेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सेकुलरिज्म आने के बाद महिलावादी आंदोलनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दलितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विकास और कल्याण की संकल्पना पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जब ये पढ़ते हैं तो आप जीएस नहीं, आप निबंध पढ़ते हैं। तो वही सेकुलरिज्म आप कहां पढ़ सकते हैं, निबंध में, और वही सेकुलरिज्म कहां पढ़ सकते हैं, जीएस में। दोनों में क्या होगा, अंतर है, क्योंकि निबंध में आपको लिखना 1200 शब्द, 1200 शब्द केवल सेकुलरिज्म का मायने बताने से और भारत और पश्चिम के सेकुलरिज्म में अंतर करने से आप नहीं लिख सकते। 1200 शब्द लिखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कोई टॉपिक आ जाए आपको उसको जोड़ना आना चाहिए। जब आप चीजों को जोड़ना सीख जाएंगे तो उन्हीं टॉपिक से एक दूसरे पर क्या कर लेंगे, स्विच ओवर कर लेंगे, इससे आप बात ठीक तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, ये एक सामान्य बात मैंने बताई कि हमने दो भाग में निबंध की पढ़ाई लिखाई को बांटा है। एक भाग में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, आईआर, पॉलिटिकल मामले, उनको रखा है, और दूसरे हिस्से में संस्कृति, शिक्षा, राष्ट्रवाद, न्याय, विकास, कल्याण, इस तरह की अवधारणा या दार्शनिक निबंध या अमूर्त निबंध, इनको रखा है। जेंडर डिस्कोर्स, इकोलॉजिकल बैलेंस, इम्बैलेंस, इसको रखा है। दोनों मिलाकर ये करीब 40 दिन के आसपास का प्रोग्राम निबंध का होगा। अब आप कोई सवाल इससे पूछना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे जो बताना था वो बताना था निबंध होता क्या है।
और निबंध को करने का तरीका क्या होता है, लेकिन उसके लिए एक अतिरिक्त कक्षा की जरूरत पड़ेगी। तो जब मैं पढ़ाने आऊंगा तो उस कक्षा से शुरुआत करूंगा कि निबंध में भूमिका का क्या मतलब होता है, निबंध में हम जब भूमिका बनाते हैं तो उसका आइडिया कैसे क्रिएट करते हैं, निबंध के लिखने की चुनौतियां क्या हैं, स्ट्रक्चर्ड निबंध लिखने का आइडिया कैसे बनाया जा सकता है, इन सब बातों पर बात करने के लिए कम से कम डेढ़ कक्षाएं और चाहिए। ठीक है, अब आपके जो सवाल आज की कक्षा से बने हों, चूंकि आपने कहा कि आपको सवाल भी हैं कुछ जो बने हैं वो पूछ लीजिए। अच्छा, इनका सवाल है कि अभी क्या निबंध करना चाहिए, अभी तो माहौल ठीक नहीं है, अभी तो पीटी पढ़ रहे हैं, उसका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में आपने निबंध का मिसाइल भी छोड़ दिया, इसीलिए देखिए आपसे राय मांगी गई। मुझे कहा गया कि कुछ लोग हैं जो निबंध के लिए इंटरेस्टेड है, तो एक सेमिनार हम लोगों ने कर लिया कि चलिए शुरुआती सेमिनार कर लें, बाकी सेमिनार का भाग इसलिए रोक भी लिया है कि यही बात दोबारा दोहरानी पड़ेगी, ठीक नहीं लगी। हालांकि ये बात जो मैं कहता हूं दोबारा दोहराता नहीं, लेकिन अगली कक्षा में अगर मान लीजिए आपने तय किया कि अभी निबंध के लिए सही समय नहीं और आपके फीडबैक्स देखे गए, उसमें लगा कि बहुत लोग अभी निबंध नहीं करना चाहते हैं, जून में करना चाहते हैं, पीटी के बाद करना चाहते हैं, अगर ऐसा होगा फीडबैक आपका, तो कल के वर्कशॉप के बाद वो निबंध का जो बैच है पोस्टपोन हो जाएगा। और अगर लगेगा कि नहीं, एक बड़ा हिस्सा क्लास का अभी निबंध करने में इच्छुक है, तो फिर एक सप्ताह के भीतर निबंध की कक्षाएं आपकी शुरू हो जाएंगी, और अभी वो जून से पहले खत्म हो जाएंगी, उसके बाद जून के बाद दूसरा ग्रुप पढ़ेगा। ये डिपेंड करेगा कि क्रिटिकल नंबर निबंध के लिए हमारे पास है या नहीं। एक सीमा तक जो क्रिटिकल नंबर है, अगर वो है तो एक बैच अभी चलाया जाएगा, अगर नहीं होगा तो बाद में। तो आप अगर अभी निबंध नहीं पढ़ेंगे, मान लीजिए आपका पीटी है, तो कोई तकलीफ नहीं, आप दूसरे बैच में पढ़ लीजिएगा, और हो सकता है चले ही ना, ठीक है, तो दूसरे बैच में पढ़ेंगे ही। लेकिन अगर कुछ लोग पढ़ भी लेते हैं पहले निबंध, तो जिनके पास समय उनको पढ़ने दीजिए, जिनके पास समय नहीं वो बाद में पढ़ेंगे। अब मेरी राय के बजाय अपनी राय बनाओ ना, हर मामले में मेरी राय देना ठीक नहीं। अरे भाई, मुझे चले ही जाने दो जब जाना है तो। हाँ, अरे काम ही की बात करूंगा यार, ऐसा थोड़े है, भाग रहे हो। दोनों तरह के दार्शनिक, अस्तित्ववाद नाम का एक दर्शन है। हा? अरे मैं कोई दार्शनिक थोड़े हूं। दार्शनिक लोगों ने क्या किया, मैं उसका उत्तर दे सकता हूं। दर्शन दो तरह के हैं, एक जिसमें समाज से लोगों ने कोई सिद्धांत बनाया, और एक तरह के दार्शनिक हैं जिन्होंने समाज बदलने के लिए सिद्धांत बनाया। समाज बदलने के लिए सिद्धांत बनाने वाले लोग अलग हैं, और समाज को देखकर उसका अध्ययन करके उससे कोई निष्कर्ष निकाल के दर्शन बनाने वाले लोग अलग है। दो तरह की दार्शनिक धाराएं हैं। निबंध में करंट का महत्व तो दाल में नमक की तरह है। दाल में नमक होती कि नमक में दाल होती है? दाल में नमक, वही करंट है। जब आप आर्ग्यूमेंट बनाते हैं, आर्ग्यूमेंट जीएस नहीं, जैसे मैंने आपको दिखाया जितनी मैंने बात की सेकुलरिज्म के बारे में, वो कहीं जीएस में नहीं पढ़ोगे। मैंने पर्यावरण और स्त्री के आइडिया को जोड़ा, उसको जीएस में नहीं पढ़ोगे। ये निबंध का कोर होगा। उसको समझाने के लिए तुम क्या दिखाओगे कि देखिए जो कंट्रीज सेकुलर हैं वहां स्त्रियों का जो जेंडर जस्टिस है उस रैंक में उनकी स्थिति अच्छी। इसका मतलब सेकुलरिज्म वाले देशों में हमारे पास डेटा ये कहता है कि स्त्रियां वाकई ज्यादा सशक्त होती हैं, लैंगिक न्याय ज्यादा होता है। जीएस और करंट, ये हमारे निबंध के आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने का केवल उदाहरण है। जीएस न तर्क बनाता है और न जीएस विजन बनाता है, न डायमेंशन बनाता है। जीएस केवल हमको जस्टिफिकेशन करने के लिए डेटा देता है। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अभी से क्या करोगे, खेलो कूदो, पढ़ो लिखो, किताब पढ़ो। अब
बहुत सारे तरीके हैं, अब वो एक बड़ा सवाल होगा, उसको हल करने में समय लगेगा, कैसे कर सकते हैं। तुमको आईएएस क्यों बनाया जा रहा है? समस्या बताने के लिए, समस्या हल करने के लिए? तो बता के क्यों छोड़ दोगे? तुम कोई दार्शनिक थोड़े हो कि समस्या बता के छोड़ दी। अरे तुम आईएएस अधिकारी हो, हर पेपर जो पूछा जा रहा है किसने पूछा जा रहा है? यूपीएससी में। तो हम जांचना चाहते हैं कि तुम्हारे अनुमान करने की क्षमता कितनी है, तुम निष्कर्ष कितने तरह के निकाल सकते हो, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स का डोमेन कितना बड़ा है। ठीक है, तो आज यही बात रोकते हैं, फिर अगली मुलाकात में आगे बातचीत करेंगे।